हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज होने वाली प्रभास की मच चवेटेड फिल्म के बारे में इसका नाम है काल की अट्ठाईस अंठानवे ए तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रोब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसी के साथ दोस्तों बता दें काल की, की ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है दो दिन पहले अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए ताकि दोस्तों इस पूरी फिल्म को देखने से पहले आप लोग को इस फिल्म की कहानी समझ में आ जाए साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है तो अगर आप लोग प्रभाष के फैन हो और काल की फिल्म का वेट कर रहे हो

स्टोपियन विज्ञान कथा एक्शन ड्रामा फिल्म है साथ दोस्तों काल की फिल्म को बेजंती मूवीज के तहत सी अश्विन दत्त द्वारा निर्मित किया गया है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रभाष अमिताभ बच्चन कमल हासन और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण दिशा पतानी ब्राह्मानंदम इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाले हैं वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो 27 जून 2024 को ये फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज होने वाली है वहीं बात की जाए इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने छः सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं दोस्तों बता दें फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई थी कि काल के निर्माण को कोविड 19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा है वहीं फिल्मांकन अंत तक जुलाई 2021 में और हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर इस फिल्म को शुरू किया गया जो कि मार्च 2024 में समाप्त तो होने से पहले अगले तीन वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा था इस फिल्म की शूटिंग 600 करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो बहत्तर मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट पर बनी काल की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों इसका संगीत के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का संगीत संतोष नारायण सर ने तैयार किया है इसका छायांकन के बारे में हम बात कर ले तो जो डजे ने तैयार किया है इसी के साथ इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में बात की जाए तो नितिन जी हानी चौधरी सर ने किया है काल की अठाईस ई को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया अब इसे 27 जून 2024 को आईमिक्स और फिर अन्य फिल्म प्रारूपों में दुनिया भर में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है वहीं इस फिल्म के आधार के बारे में बात करें तो अट्ठाईस अंठानवे ई में काशी का निर्जन शहर अब यानी कि अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र शहर बन गया है जिस पर एक अधिनयकवादी अभिजात वर्ग सुप्रीम यानी कि यासकिन का शासन चल रहा है जो शहर के ऊपर एक मोडराते हुए यानी कि पिरा मिंडूमा बिसाल का एक खतरा है यानी कि संरचना से है जिसे जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है वहाँ पे अब यहाँ पे भारतीय पौराणिक कथाओं और फिर एक दस्टोपियन समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है इस फिल्म में जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व में महाभारत की घटनाओं से लेकर आज के कलयुग की शुरुआत अट्ठाईस अंठानवे ई तक की स समृद्धियों तक फैली हुई यात्रा को इसमें दिखाया गया है कथा का मूल हिंदू देवता विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार यानी कि कल की, की रहस्यमय आकृति के इर्द गिर्द घुमती हुई कहानी को इसमें दिखाया गया है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन को लेकर बात करें तो यहाँ पे सीधे बताया गया है साल 2019 में ही महानती की सफलता के बाद से नाग अश्विन सर ने कहा था कि वह लंबे समय से एक मूल कहानी और एक पदकथा पर काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से जिसका निर्माण जो है जल्द ही शुरू होगा उन्होंने बता दिया था लेकिन उस अगस्त में बैस जयंती मूवीज ने घोषणा किया था कि उत्पादन सितंबर में शुरू होने वाला है और देर्श कलाकारों और फिर डिजाइनरों और फिर जो लेखकों के लिए कास्टिंग कॉल पोस्ट किया जाएगा अब यहाँ पे प्रभाष को प्रोडक्शंस यहाँ पे हाउस ने सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को ही उनके स्टूडियो की स्थापना के लिए 50वें वर्ष के बाद जो है फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में उनको इसमें लाया गया लेकिन स्थायी रूप से दोस्तों यानी कि नाग स्वानी और इसके अलावा प्रभाष 21 वन शीर्षक से अश्विन ने कहा था कि शुरुआती योजनाएं 2020 के अंत तक फिल्मांकन शुरू करने की है और वहीं दो के अंत तक फिल्म को कई जो भाषाओं में रिलीज किया जाएगा उन्होंने ये भी बता दिया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहरहाल दोस्तों इस फिल्म का शीर्षक जो है कालकी का संदर्भ रखा गया है जो कि भाग जो कि भागवत पुराण के हिसाब से भागवत पुराण के अनुसार हिंदू देवता विष्णु का एक अवतार ही है जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व यानी कि पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध के बाद जो है कलयुग की शुरुआत माना जाता है वही फिल्म कलयुग में जो है छः हजार साल बाद शुरू होता है जो कि अशोर दानो और काली के युग के इस फिल्म को बताया गया इस मूवीज में अब यहाँ पे दोस्तों बात करने वाली चीज़ यही है कि जुलाई 2020 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रभाष के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका के लिए उनको इसमें साइन किया गया दीपिका पादुकोण ने महसूस किया कि वह प्रोडक्शन्स में शामिल होने के लिए बहुत रोमांचित थी जबकि अश्विन ने कहा था कि उनका किरदार एक आश्चर्य होगा फिल्म में क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि किसी मुख्य धारा के लीड ने पहले ऐसा कभी नहीं काम किया है अब ये फिल्म दीपिका पादुकोण की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत भी है जो कि बॉलीवुड हंगामा ने बताया है कि उनकी भूमिका शुरू में पर्याप्त नहीं थी फिल्म के लिए लेकिन उनके स्टार के अनुसार जो है इसमें सुधार किया गया लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में अमिताभ बच्चन को फिल्म में एक पूर्ण लंबाई वाली भूमिका में इसमें साइन किया गया है अश्विन ने कहा है कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके चरित्र का नाम जो है शुरुआती मसौदे का कार्यशाली शीर्षक इसमें रखा गया था इसके बाद से दोस्तों मई दो में दिशा बदानी कलाकारों में शामिल हुई जो कि लोफर 2015 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के ज़रिए जून 2023 में कमल हासन कलाकारों में शामिल हुए जो कि यहाँ पे आ चिकती राज्यम दो और पंद्रह के बाद से तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए इसके बाद से उन्होंने अपनी भूमिका को एक कहमियों के रूप में वर्णित किया वहीं अगस्त 2023 में दुलारे सलमान ने भी मीडिया को बताया था कि उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा किया है हालांकि अभिनेता ने कभी भी फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि या फिर जो खंडन नहीं किया इसके बाद से फरवरी 2024 में अन्ना बेन कलाकारों में शामिल हुई जो कि तेलुगू और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत है इस फिल्म के जरिए इसके अलावा दोस्तों पूर्व उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के, के के रूप में मान्यता दी गई थी कुछ समय पहले जो कि फ़िल्म के कामकाजी शीर्षक के रूप में काम किया गया अश्विन ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी और भविष्य के वाहनों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जो है फिल्म के लिए विकसित किया गया था और वहीं जबकि उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज सी का उपयोग करके फिर से बनाया जा सकता है बताया था वही अश्विन चाहते थे कि वह जो है यानी कि प्रमाणिक और फिर जो वास्तविक जो है महसूस करे क्योंकि इसलिए उन्होंने इंजीनियरों की समर्पित टीम के साथ इन जो है वाहनों को वाहनों को खरोच खरोच से बचाने का विकल्प चुना मार्च 2022 में अश्विन ने व्यवसायी आनंद यानी कि महिंद्रा से इस प्रकार के वाहन बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था प्रोडक्शन टीम ने कुछ दिनों बाद ही सही महिंद्रा ने जवाब दिया था कि उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा चेन्नई में अपने महिंद्रा जो है रिसर्च वैली और फ्यूज रिसर्च प्रोडक्शन टीम की सहायता करेगी अब यहाँ से शुरू होता है जुलाई दो की कहानी दो में निर्माता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेट बनाया था जहां पे इस फिल्म को शूट किया गया जहां फिल्मांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया है इसके बाद से दोस्तों अगस्त 2020 में आर रहमान को शुरू में फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए संपर्क किया गया था रहमान ने फिल्म साइन नहीं की और अश्विन ने अपनी पिछली फिल्म जो है महानती 2018 के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा वही अर्थात यानी कि संगीतकार जो है मिकी ज मेयर और फिर जो हाककार दानी सनचेज लोपेज को लिया गया लेकिन बाद में यहाँ पे सरबियाई छायाकार जो, जो डॉज के साथ मिलकेस्टो तो लोजिक को बीक ने फिल्म के आधिकारिक जो छायाकार के रूप में दानी संचित के साथ मिलकर काम किया था दानी संचित लोपे की जगह ले ली अब फरवरी 2023 में दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा संतोष नारायण ने संगीतकार के रूप में मेयर की जगह ली साथ ही एक महिला जो कि बॉलीवुड संगीतकार ने फिल्म के लिए एक गीत की रचना की वही बताते चले कि यहां पे सिंगेटम जो है यानी कि श्रीनिवास राव एक संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए परियोजना में शामिल हुए थे वहीं दोस्तों काल की अट्ठाईस अंठानबे ई का अनुमानित बजट 600 करोड़ रखा गया है जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बहत्तर मिलियन डॉलर खर्च किया गया है शुरुआत में इस फिल्म की नियमित शूटिंग नवंबर 2020 में शुरू करने की योजनाएं रखी गई थी हालांकि दोस्तों कोविड नाइन्टीन महामारी जो कि आपको पता है बहुत ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड नाइन्टीन महामारी के आगमन के कारण ही इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया था वही अमिताभ बच्चन की विशेषता वाले एक मुहूर्त शॉट के बाद से जो है गुरु यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई 2021 में हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई जो कि प्रभाष और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2021 में प्रोडक्शंस में शामिल हुए बच्चन प्रभाष पादुकोण के दिवसों की शूटिंग की गई एक साथ शूटिंग का दूसरा शेड्यूल फरवरी दो में रखा गया था यहाँ पूरी फिल्म को एक ही बार में शूट करने के बजाय टीम ने 80 से लेकर नब्बे दिनों की शूटिंग को हर महीने सात से लेकर आठ दिनों में विभाजित किया इससे प्रोडक्शन टीम को समय भी मिल गया और फिल्म में इस्तेमाल होने वाले गैजेट और फिडियो प्रव तैयार करने का मौका भी मिल गया इसलिए फिल्म के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद रखी गई थी जो कि फिल्म को शूट करने के लिए यानी कि डी एडी एलेक्सा पैंसठ कैमरे का इस्तेमाल किया गया जिससे इस यानी कि टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रभास अप्रैल 2022 में अपने एकल हिस्से का फिल्मांकन भी शुरू करेंगे हालांकि उनके घुटने की सर्जरी के कारण जो है सलार और काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी सहित उनकी आगामी परियोजना में भी देरी हुई 90 परसेंट शूटिंग जो है रामोजी फिल्म सिटी में ही बनाए गए थे उसी सेट पर शूट किया गया है जून में बच्चन ने यहाँ पे राय दुर्गा मेट्रो स्टेशन पर एक सीन की शूटिंग की जुलाई में दीपिका पादुकोण और प्रभाष ने हैदराबाद में एक एक चेज सीक्वेंस की शूटिंग की है प्रभाष ने इस शेड्यूल के अंत तक अपने हिस्से की अधिकांश शूटिंग पूरी भी कर ली थी वहीं पर दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद रखी गई थी जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के काम में लगभग आठ महीने लगेंगे हालांकि मार्च दो हज़ार तेईस में फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहीं जब बच्चन की यहाँ पे बच्चन की पसलियों में चोट लग गई फिर उन्हें जो है मुंबई में आराम करने की सलाह दी गई थी तब जून 2023 तक लगभग जो है 70 परसेंट फिल्मांकन पूरा हो गया था प्रभास और दिशा पदानी पर आधारित एक रोमांटिक ट्रैक जो है मार्च 2024 में इटली में फिल्माया गया था जिसमें जो है कैशॉर्ट का रोयल यानी कि पैलेस भी शामिल किया गया है रिलीजिंग के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों फिल्म का पहला लुक 19 जुलाई 2023 को जारी किया गया था काल की अट्ठाईस सौ अंठानवे ई बीस जुलाई 2023 को सैन डियोगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में प्रस्तुत की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई जहां निर्माता ने आधिकारिक शीर्षक और फिर झलक का अनावरण किया था विस्तार से इससे पहले फिल्म में द्स यानी कि काली के अनुयायी और फिर जो है भैरव के बीच एक महत्वपूर्ण दृश्य का एक सीमित कॉमिक यहाँ पे इस ट्रिप जो है पैनल पर जारी किया गया था महाशिवरात्रि के अनुसार दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्माता ने भैरव के रूप में प्रभाष के चरित्र का खुलासा करते हुए एक पोस्टर जारी किया था इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अश्वत्थमा के चरित्र का परिचय देते हुए एक नया टीजर 21 अप्रैल 2024 को जारी किया गया प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के अमर चरित्र से प्रेरित होकर यहाँ पे अश्वत्थामा को अमिताभ बच्चन ने चित्रित किया था जो कि 27 अप्रैल को निर्माता ने प्रभाष अमिताभ बच्चन और फिर जो है दीपिका पादुकोण के पोस्टर के साथ नई रिलीज की तारीख की घोषणा की 30 अप्रैल 2024 को प्रभाष ने सिनेमा और फिर जो है क्रिकेट के प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब वह जो है लखनऊ सुपर यानी कि ज्वाइंट बनाना लखनऊ सुपर ज्वाइन बना मुंबई इंडियंस के दौरान एक आईपीएल प्रचार वीडियो के लिए भैरव के रूप में वो दिखाई दिए थे अब यहाँ पर 2 मई 2024 को अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के अपने चरित्र में दिखाई दिए जहाँ पे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्रेरक भाषण दिया क्योंकि वह आईसीसी सी सी पुरुष सैनिकी बीस दो हज़ार दो को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम में प्रभाष के साथ बातचीत कर रहे थे एक कार्यक्रम में प्रभाष के रोबोट्स यानी कि किक इसके अलावा ए जो है यानी कि ह्यूमोनाइट वाहन बुजी का एक टीजर जारी किया गया जहाँ पे आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि हमें हमें यहाँ पे नाग अश्विन और उनके फिल्म जो है निर्माताओं की जमानत तो और बहुत गर्वा है जो कि बड़ा जो है सोचने बड़ा सोचने से डरते नहीं है जबकि उन्होंने साझा किया है कि महिन्द्रा रिसोर्च यानी कि वेली के इंजीनियरों ने काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी की टीम को जो है भविष्य के वाहन के लिए अपने दृष्टिकोण को साकार करने में मदद की सताइस मई दो हजार चौबीस को निर्माताओं और फिर जो है एमजॉन प्राइम वीडियो ने बुझी और फिर जो है भैरव यानी कि मानकों को भाग की यहाँ पे एनिमेटेड जो है यानी कि प्रस्तावना की घोषणा किया जहाँ पे इकतीस मई दो हजार चौबीस को काल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में मंच पर जारी किया गया था अब यहाँ पे इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दस जून 2024 को जारी किया गया था कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कलाकार कॉन्सेप्ट जो है कलाकार के साथ मिलकर यहाँ पे सुंग चोई ने भी बाद में आरोप लगाया था कि ट्रेलर के शुरुआत में फिल्म में बिना अनुमति या फिर जो है क्रेडिट के उनके जो है कालकी का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही इसे 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था और फिर जनवरी 2024 के लिए निर्धारित भी किया गया था लेकिन कोविड 19 महामारी और फिर उत्पादन कार्य के कारण इसे 9 मई 2024 तक के लिए विलंबित कर दिया गया 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण जो है इसे फिर से 9 मई 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक के लिए स्थगित किया गया है वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को एक साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज करने की योजनाएं बनाई गई है जी यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना ये फिल्म एक साथ ही एक ही भाषा में रिलीज होगा पे दर्शक हो सकता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया प्यार दे दे अच्छा वहीं दोस्तों दीपिका पादुकोण में आइए कुछ रोमांटिक बातों को बताते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में दीपिका पादुकोण का जन्म पांच जनवरी उन्नीस को कोपेन हेगन डेनमार्क में कोकनी भाषी भारतीय माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ था उनके पिता प्रकाश पादकुन एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और उनकी माँ उज्वला एक ट्रेवल एजेंट है और उनकी छोटी बहन अनीसा एक गोल्फ खिलाड़ी है उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादूकोन एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गए उनकी शिक्षा बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा माउंट कौरमेल कॉलेज से पूरी की है उन्होंने उन्होंने समाज शास्त्र में कला कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था दीपिका पादुकोण ने कहा है वह एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे उनके जीवन का केंद्र यहाँ पे बैडमिंटन था इसे उन्होंने छोटी उम्र से ही पर्ति, पर्ति पादुकोण ने कहा मैं सुबह पाँच बजे उठती शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती स्कूल जाती फिर से बैडमिंटन खेलने जाती और अपना होमवर्क पूरा करती और फिर मैं सो जाती दीपिका पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में बैडमिंटन में अपने करियर बनाना जारी रखा जो कि राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप में खेल खेला उन्होंने कुछ राज्य कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेला हुआ है अपनी शिक्षा और फिर जो है खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल एक बाल यानी कि मॉडल के रूप में भी काम किया है पहली पहली बार बता दें कि आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन जो है अभियानों में दिखाई दी है जो कि दसवीं कक्षा में उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और फिर एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया 2004 में उन्होंने प्रसाद यानी कि प्रसाद जो है विद्यापा के संरक्षणों में एक मॉडल के रूप में अपना पूर्णकालिक जो है करियर शुरू किया है यह भी बताया है उन्होंने अपनी अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने यहाँ पे रिल यानी कि साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन से पहचान हासिल की और विभिन्न जो है अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की 2005 में उन्होंने डिजाइनर जो है सुनीत वर्मा के लिए सबसे पहले लकमे फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और फिर जो है किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपिका पादुकोण की पर्सी तब बढ़ गई जब वह 2006 यानी कि सबसे पहले जो है किंग फिशर यानी कि कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट में दिखाई दी थी अब यहाँ पर दोस्तों डिजाइनर जो है यानी कि वेंडिल और इसके अलावा रोडिक्स ने टिप्पणी किया कि ऐश्वर्या रॉय के ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है जो कि रोडिक्स ने उन्हें जो है गंजम के एक यानी कि ज्वेलरी क्लास में देखा था जिसे जो है वह पढ़ा जिसे वो पढ़ा रही थी और उन्हें यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि टैलेंट एजेंसी के साथ साइन कर दिया गया दो में उन्होंने सबसे पहले हिमेश रेशमिया के एल्बम जो है आपका सुरूर के गीत नाम में इन्होंने तेरे के साथ जो है वीडियो में अभिनय करके पहचान हासिल की थी इसके बाद से दोस्तों दीपिका पादुकोण को जल्द ही फिल्म जो है भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे सबसे पहले खुद को एक अभिनेत्री के रूप में बहुत यानी कि अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर की फिल्म एकेडमी में एक एक कोर्स के लिए दाखिला लिया बहुत सारी जो है मीडिया यहाँ पे अटकलों के बाद निर्देशक जो है फरा खान जिन्होंने उन्हें रेशमिया के संगीत वीडियो में देखा था उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका के लिए कास्ट करने का फ़ैसला किया जिसका नाम जो है तब हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था जो कि यहाँ पे रोडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं यहाँ पे खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी वहीं उन्होंने मलाइका अरोरा से भी संपर्क किया था लेकिन रोडिक्स जिनके लिए दीपिका पादुकोण तब जो यानी कि लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उन्होंने उनकी सिफारिश अपने एक करीबी दोस्त यानि कि अरोरा से की जिन्होंने बदले में उनकी जो है सिफ़ारिश खान के सामने की थी वहीं दोस्तों बता दें दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले ऐश्वर्य दो से अपने अभिनय की शुरुआत तो की ही थी जो कि दोस्तों इंद्रजीत यानी कि लंकेश द्वारा निर्देशित की गई एक कर्नाड फिल्म थी रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो है जहाँ पे मनमू की रीमेक थी ये मूवी और फिर उन्हें जो है अभिनेता उपेंद्र के साथ शीर्षक भूमिका में लिया गया था फिल्म रूप से सफल रही थी इसके बारे में रेडिफ के अनुसार दोस्तों सबसे पहले जो है आरजी यानी कि विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण की स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो है भावनात्मक दृश्यों पर काम करने की जरूरत है दो के अंत तक फराग खान की हैप्पी न्यूवर को बंद कर दिया गया था और शाहरुख खान ने इसके बजाय जो है यानी कि मशाला फिल्म जो ओम शांति ओम में काम करने चले गए 2007 के लिए दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया वहीं दोस्तों आगे आपको बता दें कि हिंदी फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि पर सेट की गई फिल्म एक संघर्षशील अभिनेता की कहानी को बताया गया है जो एक फिल्म स्टारर की मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेता है जो कि तैयारी के तौर पर दीपिका पादुकोण ने अभिनेत्रियों हेलेन और फिर जो हेमा मालिनी की कई फिल्में देखी ताकि उनके हाव भाव का अध्ययन किया जा सके कि उनकी आवाज को वैस यानी कि वैस आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने डॉफ किया था फिल्म के एक गाने जो है धूम ताना के लिए दीपिका पादुकोण ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सहारा लिया और फिर जो है यहाँ पे डोलिंग यानी कि किन रेसल के अनुसार यहाँ पे हस्त मुद्राओं और फिर जो है हाथ के इस सारों का उपयोग करके दर्शकों को मतलब कर दिया था जो कि दोस्तों यहाँ पे ओम शांति ओम ये फिल्म जबरदस्त कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद और अब तक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है दीपिका पादुकोण ने अगली बार ही सही सिद्धार्थ आनंद की रोमांटिक कॉमेडी जो है बचना ए हसीनो 2007 में इनको रणबीर कपूर के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया इन्होंने इस फिल्म में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक की भूमिका निभाई फिल्म ब्यूटी रूप से सफल रही लेकिन आउटलुक की नम्रता जोशी ने उनके प्रदर्शन को फिल्म के अंदर पुतले जैसा और पूरी तरह से जो आग और फिर जो उत्साह की कमी के रूप में खारिज कर दिया रिव्यू करते हुए इसी के साथ 2009 के की उनकी पहली रिलीज मूवी अक्षय कुमार के साथ कुनफू कॉमेडी चांदनी चोक टू चाइना फिल्म थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काल की फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है जिसमें प्रभाष दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन ये सभी स्टार कास्ट इस फिल्म में नजर आने वाले हैं हो सकता है 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए ये मूवी दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं तो फैंस इस वीडियो में बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज़ होने वाली प्रभास की मच सेवेटेड फिल्म के बारे में इसका नाम है काल्की अट्ठाईस अंठानवे ए तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रोम में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसी के साथ दोस्तों बता दें काल की, की ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है दो दिन पहले अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए ताकि दोस्तों इस पूरी फिल्म को देखने से पहले आप लोग को इस फिल्म की कहानी समझ में आ जाए साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है तो अगर आप लोग प्रभाष के फैन हो और काल की फिल्म का वेट कर रहे हो

विज्ञान कथा एक्शन ड्रामा फिल्म है इसी साथ दोस्तों काल की फिल्म को बेजंती मूवीज के तहत सी अश्विन दत्त द्वारा निर्मित किया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन कमल हासन और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण दिशा पतानी ब्राह्मानंदम इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाले हैं वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो 27 जून 2024 को ये फिल्म तेलुगू और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज होने वाली है वहीं बात की जाए इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में छः करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं दोस्तों बता दें फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई थी कि काल के निर्माण को कोविड 19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा है वहीं फिल्मांकन अंत तक जुलाई 2021 में और हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर इस फिल्म को शुरू किया गया जो कि मार्च 2024 में समाप्त तो होने से पहले अगले तीन वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा था इस फिल्म की शूटिंग 600 करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो बहत्तर मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट पर बनी काल की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों इसका संगीत के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का संगीत संतोष नारायण सर ने तैयार किया है इसका छायांकन के बारे में हम बात कर ले तो जो डजे ने तैयार किया है इसी के साथ इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में बात की जाए तो नितिन जी चौधरी सर ने किया है काल की अठाईस ई को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया अब इसे 27 जून 2024 को आईमिक्स और फिर अन्य फिल्म प्रारूपों में दुनिया भर में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है वहीं इस फिल्म के आधार के बारे में बात करें तो अट्ठाईस अंठानवे ई में काशी का निर्जन शहर अब यानी के अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र शहर बन गया है जिस पर एक अधिनायकवादी अभिजात वर्ग सुप्रीम यानी कि यासकीन का शासन चल रहा है जो शहर के ऊपर एक मौड हुए यानी कि पिरा मिंडूमा बिसाल का एक खतरा है पिरािंडोना यानी की संरचना से है जिसे जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है वहाँ पे अब यहाँ पे भारतीय पौराणिक कथाओं और फिर एक डस्टोपियन समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है इस फिल्म में जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व में महाभारत की घटनाओं से लेकर आज के कलयुग की, की शुरुआत अट्ठाईस अंठानवे ई तक की स समृद्धियों तक फैली हुई यात्रा को इसमें दिखाया गया है कथा का मूल हिंदू देवता विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार यानी कि कलगी की, की रहस्यमय आकृति के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को इसमें दिखाया गया है इसी से दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन को लेकर बात करें तो यहाँ पे सीधे बताया गया है साल 2019 में ही महानती की सफलता के बाद से नाग अश्विन सर ने कहा था कि वह लंबे समय से एक मूल कहानी और एक पतकथा पर काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से इसका निर्माण जो है जल्द ही शुरू होगा उन्होंने बता दिया था लेकिन उस अगस्त में जयंती मूवीज़ ने घोषणा किया था कि उत्पादन सितंबर में शुरू होने वाला है और दृश्य कलाकारों और फिर डिजाइनरों और फिर जो लेखकों के लिए कास्टिंग कॉल पोस्ट किया जाएगा अब यहाँ पे प्रभाष को प्रोडक्शंस यहाँ पे हाउस ने सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को ही उनके स्टूडियो की स्थापना के लिए 50वें वर्ष के बाद जुड़े फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में उनको इसमें लाया गया लेकिन अस्थाई रूप से दोस्तों प्रभाष जैन की नाग सुवानी और इसके अलावा प्रभाष 21 वन शीर्षक से, से अश्विन ने कहा था कि शुरुआती योजनाएं 2020 के अंत तक फिल्मांकन शुरू करने की है और वहीं 2021 के अंत तक फिल्म को कई जो है भाषाओं में रिलीज किया जाएगा उन्होंने ये भी बता दिया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहरहाल दोस्तों इस फिल्म का शीर्षक जो है काल का संदर्भ रखा गया है जो कि भाग जो कि भागवत भागवतपुरन के हिसाब से भागवत भागवतपुरन के अनुसार हिंदू देवता विष्णु का एक अवतार ही है जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व यानी कि पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध के बाद जो है कलयुग की शुरुआत माना जाता है वही फिल्म कलयुग में जो है छः हज़ार साल बाद शुरू होता है जो कि अशोर दानो और काली के युग के इस फिल्म को बताया गया है इस मूवीज़ में अब यहाँ पे दोस्तों बात करने वाली चीज़ यह है कि जुलाई 2020 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रभास के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका के लिए उनको इसमें साइन किया गया दीपिका पादुकोण ने महसूस किया कि वह प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए बहुत रोमांचित थी जबकि अश्विन ने कहा था कि उनका किरदार एक आश्चर्य होगा फिल्म में क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि किसी मुख्यधारा के लीड ने पहले ऐसा कभी का नहीं काम किया है अब ये फिल्म दीपिका पादुकोण की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत भी है जो कि बॉलीवुड हंगामा ने बताया है कि उनकी भूमिका शुरू में पर्याप्त नहीं थी फिल्म के लिए लेकिन उनके स्टार के अनुसार जो है इसमें सुधार किया गया लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में अमिताभ बच्चन को फिल्म फ्रेंग में एक पूर्ण लंबाई वाली भूमिका में इसमें साइन किया गया है अश्विन ने कहा है कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके चरित्र का नाम जो है शुरुआती मसौदे का कार्यशाली शीर्षक इसमें रखा गया था इसके बाद से दोस्तों मई दो में दिशा बदानी कलाकारों में शामिल हुई जो कि लोफर 2015 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए जून 2023 में कमल हासन कलाकारों में शामिल हुए जो कि यहाँ पे आ चिक्ती राज्यम दो हज़ार पंद्रह के बाद से तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए इसके बाद से उन्होंने अपनी भूमिका को एक कहमियों के रूप में वर्णित किया वहीं अगस्त 2023 में दुलारे सलमान ने भी मीडिया को बताया था कि उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा किया है हालांकि अभिनेता ने कभी भी फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि या फिर जो है खंडन नहीं किया इसके बाद से फरवरी दो में अन्ना बेन कलाकारों में शामिल हुई जो कि तेलुगु और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत है इस फिल्म के ज़रिए इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्पादन के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के, के के रूप में मान्यता दी गई थी कुछ समय पहले जो कि फ़िल्म के कामकाजी शीर्षक के रूप में काम किया गया अश्विन ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उच्च स्तरीय टेक्निकी और भविष्य के वाहनों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जो है फिल्म के लिए विकसित किया गया था और वहीं जबकि उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज सीजीआई जी का उपयोग करके फिर से बनाया जा सकता है बताया था वहीं अश्विन चाहते थे कि वह जो है यानी कि प्रमाणिक और फिर वास्तविक जो, जो है महसूस करे क्योंकि इसलिए उन्होंने इंजीनियरों की समर्पित टीम के साथ इन जो है वाहनों को वाहनों को खरोच खरूँ, खरोच से बचाने का विकल्प चुना मार्च 2022 में अश्विन ने व्यवसायी आनंद यानी कि महिंद्रा से इस प्रकार के वाहन बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था प्रोडक्शन टीम ने कुछ दिनों बाद ही सही महिंद्रा ने जवाब दिया था कि उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा चेन्नई में अपने महिंद्रा जो है रिसर्च वैली और फ्यूज रिसर्च से प्रोडक्शन टीम की सहायता करेगी अब यहाँ से शुरू होता है जुलाई 2021 की कहानी 2021 में निर्माता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेट बनाया था जहां पर इस फिल्म को शूट किया गया जहां फिल्मांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया है इसके बाद से दोस्तों अगस्त दो 2020 में ए आर रहमान को शुरू में फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए संपर्क किया गया था रहमान ने फिल्म साइन नहीं की और अश्विन ने अपनी पिछली फिल्म जो है महानती दो के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा वही अर्थात यानी कि संगीतकार जो है मिकीज मेयर और फिर जो छायाकार दानी संचेज लोपेज को लिया गया लेकिन बाद में यहाँ पे सर्बियाई जो छायाकार जो डॉज के साथ स्टो स्टोलोजिको बीक ने फिल्म के आधिकारिक जो है छायाकार के रूप में दानी संचेज के साथ मिलकर काम किया था दानी संचेज लोपेक की जगह ले ली अब फरवरी 2023 में दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा संतोष नारायण ने संगीतकार के रूप में मेयर की जगह ली साथ ही एक महिला जो कि बॉलीवुड संगीतकार ने फिल्म के लिए एक गीत की रचना की वहीं बताते चले कि यहां पे सिंगेटम जो है यानी कि श्रीनिवास राव एक संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए परियोजना में शामिल हुए थे वहीं दोस्तों काल की अट्ठाईस अंठानवे ई का अनुमानित बजट 600 करोड़ रखा गया है जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बहत्तर मिलियन डॉलर खर्च किया गया है शुरुआत में इस फिल्म की नियमित शूटिंग नवंबर 2020 में शुरू करने की योजनाएं रखी गई थी हालांकि दोस्तों कोविड नाइन्टीन महामारी जो कि आपको पता है बहुत ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड नाइन्टीन महामारी के आगमन के कारण ही इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया था वहीं अमिताभ बच्चन की विशेषता वाले एक के मुहूर्त शॉट के बाद से जो है गुरु यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई 2021 में हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई जो कि प्रभाष और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2021 में प्रोडक्शंस में शामिल हुए बच्चन प्रभाष पादुकोण के देशों की शूटिंग की गई एक साथ शूटिंग का दूसरा शेड्यूल फरवरी दो में रखा गया था यहाँ पूरी फिल्म को एक ही बार में शूट करने के बजाय टीम ने अस्सी से लेकर नब्बे दिनों की शूटिंग को हर महीने सात से लेकर आठ दिनों में विभाजित किया इससे प्रोडक्शन टीम को समय भी मिल गया और फिल्म में इस्तेमाल होने वाले गैजेट और फीडियो प्रॉप्स तैयार करने का मौका भी मिल गया इसलिए फिल्म के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद रखी गई थी जो कि फिल्म को शूट करने के लिए यानी कि डी एडी एलेक्सा पैंसठ कैमरे का के इस्तेमाल किया गया जिससे ये इस यानी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रभास अप्रैल 2022 में अपने एकल हिस्से का फिल्मांकन भी शुरू करेंगे हालांकि उनके घुटने की सर्जरी के कारण जो है सलार और काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी सहित उनकी आगामी परियोजना में भी देरी हुई 90 परसेंट शूटिंग जो है रामोजी फिल्म सिटी में ही बनाए गए थे उसी सेट पर शूट किया गया है जून में बच्चन ने यहाँ पे राय दुर्गा मेट्रो स्टेशन पर एक सीन की शूटिंग की जुलाई में दीपिका पादुकोण और प्रभाष ने हैदराबाद में एक एक सीक्वेंस की की शूटिंग है प्रभाष ने इस शेड्यूल के अंत तक अपने हिस्से की अधिकांश शूटिंग पूरी भी कर ली थी वहीं पर दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद रखी गई थी जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के काम में लगभग आठ महीने लगेंगे हालांकि मार्च 2023 में फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहीं जब बच्चन की यहाँ पे बच्चन की पसलियों में चोट लग गई फिर उन्हें जो है मुंबई में आराम करने की सलाह दी गई थी तब जून 2023 तक लगभग जो है 70 परसेंट फिल्मांकन पूरा हो गया था प्रभाष और दिशा पदानी पर आधारित एक रोमांटिक ट्रैक जो है मार्च दो चौबीस में इटली में फिल्माया गया था जिसमें जो है कैशॉर्ट का रॉयल यानी कि पैलेस भी शामिल किया गया है के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों फिल्म का पहला लुक 19 जुलाई 2023 को जारी किया गया था काल की अट्ठाईस अठानवे ई बीस जुलाई 2023 को सैन डियोगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में प्रस्तुत की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई जहां निर्माता ने आधिकारिक शीर्षक और फिर झलक का निवारण किया था विस्तार से इससे पहले फिल्म में यानी कि काली के अनुयायी और फिर जो है भैरव के बीच एक महत्वपूर्ण दृश्य का एक सीमित कॉमिक यहाँ पे इस ट्रिप जो है पैनल पर जारी किया गया था महाशिवरात्रि के अनुसार दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्माता ने भैरव के रूप में प्रभाष के चरित्र का खुलासा करते हुए एक पोस्टर जारी किया था इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अश्वत के चरित्र का परिचय देते हुए एक नया टीजर 21 अप्रैल 2024 को जारी किया गया भारतीय महाकाव्य महाभारत के अमर चरित्र से प्रेरित होकर यहाँ पे अश्वत्थामा को अमिताभ बच्चन ने चित्रित किया था जो कि 27 अप्रैल को निर्माता ने प्रभाष अमिताभ बच्चन और फिर जो है दीपिका पादुकोण के पोस्टर के साथ नई रिलीज की तारीख की घोषणा की 30 अप्रैल 2024 को प्रभाष ने सिनेमा और फिर जु क्रिकेट के प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब वजह लखनऊ सुपर यानी कि ज्वाइंट बनाना लखनऊ सुपर ज्वाइन बना मुंबई इंडियंस के दौरान एक आई प्रचार वीडियो के लिए भैरों के रूप में वो दिखाई दिए थे अब यहाँ पर दो मई दो को अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के अपने चरित्र में दिखाई दिए जहाँ पे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्रेरक भाषण दिया क्योंकि वह आईसीसी पुरुष यानी कि 20, बीस दो हज़ार बाईस को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम में प्रभास के साथ बातचीत कर रहे थे एक कार्यक्रम में प्रभास के रोबोट्स यानी कि साइडिकिक इसके अलावा एआई जो है यानी कि ह्यूमनॉइड वाहन बुजी का एक टीजर जारी किया गया जहां पे आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि हमें हमें यहां पे नाग अश्विन और उनके फिल्म जो है निर्माताओं की जमानत तो और बहुत गर्वा है जो कि बड़ा जो है सोचने बड़ा सोचने से डरते नहीं है जबकि उन्होंने साझा किया है कि महिंद्रा रिसर्च यानी कि वेली के इंजीनियरों ने काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी की टीम को जो है भविष्य के वाहन के लिए अपने दृष्टिकोण को साकार करने में मदद की सत्ताईस मई दो हजार चौबीस को निर्माताओं और फिर जो है एमेजन प्राइम वीडियो ने बुझी और फिर जो है भैरव यानी कि मानकों को भाग की यहाँ पे एनिमेटेड जो है यानी कि प्रस्तावना की घोषणा किया जहाँ पे इकतीस मई दो हजार चौबीस को काल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में मंच पर जारी किया गया था अब यहाँ पे इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दस जून 2024 को जारी किया गया था कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कलाकार कॉन्सेप्ट जो है कलाकार के साथ मिलकर यहाँ पे सुंग चोई ने भी बाद में आरोप लगाया था कि ट्रेलर के शुरुआत में फिल्म में बिना अनुमति या फिर जो है क्रेडिट के उनके जो है कालके का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही इसे 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था और फिर जनवरी 2024 के लिए निर्धारित भी किया गया था लेकिन कोविड 19 महामारी और फिर उत्पादन कार्य के कारण इसे 9 मई 2024 तक के लिए विलंबित कर दिया गया 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण जो है इसे फिर से 9 मई 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक के लिए स्थगित किया गया है वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को एक साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज करने की योजनाएं बनाई गई है जी यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना ये फिल्म एक साथ ही एक ही भाषा में रिलीज होगा पे दर्शक हो सकता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया प्यार दे दे अच्छा वहीं दोस्तों दीपिका पादुकोण में आइए कुछ रोमांटिक बातों को बताते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में दीपिका पादुकोण का जन्म 5 जनवरी उन्नीस को कोपेन हेगन डेनमार्क में कोकनी भाषी भारतीय माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ था उनके पिता परकास पादकुन एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और उनकी माँ उज्वला एक ट्रेवल एजेंट है और उनकी छोटी बहन अनीसा एक गोल्फ खिलाड़ी है उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादूकोन एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गए उनकी शिक्षा बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा माउंट कॉर्मेल कॉलेज से पूरी की है उन्होंने उन्होंने समाज शास्त्र में कला कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था दीपिका पादुकोण ने कहा है वह एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे उनके जीवन का केंद्र यहाँ पे बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रति पर्ति रूप से खेला हुआ है 2012 के एक इंटरव्यू में अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा मैं सुबह पाँच बजे उठती शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती स्कूल जाती फिर से बैडमिंटन खेलने जाती और अपना होमवर्क पूरा करती और फिर मैं सो जाती दीपिका पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में बैडमिंटन में अपने करियर बनाना जारी रखा जो कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेल खेला उन्होंने कुछ राज्य कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेला हुआ है अपनी शिक्षा और फिर जो है खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल एक बाल यानी कि मॉडल के रूप में भी काम किया है पहली पहली बार बता दें कि आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन जो है अभियानों में दिखाई दी है जो कि दसवीं कक्षा में उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और फिर एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया 2004 में उन्होंने प्रसाद यानी कि प्रसाद जो है विद्यापा के संरक्षणों में एक मॉडल के रूप में अपना पूर्णकालिक जो है करियर शुरू किया है ये भी बताया है उन्होंने अपनी अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने यहाँ पे लेरिल ले यानी ले कि साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन से पहचान हासिल की और विभिन्न जो है अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की 2005 में उन्होंने डिजाइनर जो है सुनीत वर्मा के लिए सबसे पहले में में फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और फिर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपिका पादुकोण की पर्सी तब बढ़ गई जब वह 2006 यानी कि सबसे पहले जो है किंग फिशर यानी कि कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी अब यहां पर दोस्तों डिजाइनर जो है यानी कि वेंडिल और इसके अलावा रोडिक्स ने टिप्पणी किया कि ऐश्वर्या रॉय के ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है जो कि रोडिक्स ने उन्हें जो है गंजम के एक यानी कि ज्वेलरी क्लास में देखा था जिसे जो है वह पढ़ा जिसे वो पढ़ा रही थी और उन्हें यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि टैलेंट एजेंसी के साथ साइन कर दिया गया दो में उन्होंने सबसे पहले हिमेश रेशमिया के एल्बम जो है आपका शुरू के गीत नाम में इन्होंने तेरे के साथ जो है वीडियो में अभिनय करके पहचान हासिल की थी इसके बाद से दोस्तों दीपिका पादुकोण को जल्द ही फिल्म जो है भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे सबसे पहले खुद को एक अभिनेत्री के रूप में बहुत यानी कि अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर की फिल्म एकेडमी में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया बहुत सारे जो है मीडिया यहाँ पे अटकलों के बाद निर्देशक जो है फरा खान जिन्होंने उन्हें रेस के संगीत वीडियो में देखा था उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका के लिए कास्ट करने का फ़ैसला किया जिसका नाम जो है तब हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था जो कि यहाँ पे रोडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं यहाँ पे खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी वहीं उन्होंने मलाइका अरोरा से भी संपर्क किया था लेकिन रोडिक्स जिनके लिए दीपिका पादुकोण तब जो यानी कि लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उन्होंने उनकी सिफारिश अपने एक करीबी दोस्त यानी कि अरोरा से की जिन्होंने बदले में उनकी जो है सिफारिश खान के सामने की थी वहीं दोस्तों बता दें दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले ईश्वरीय दो हज़ार से अपने अभिनय की शुरुआत तो की ही थी जो कि दोस्तों इंद्रजीत यानी कि लंकेश द्वारा निर्देशित की गई एक कॉनॉड फिल्म थी रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो है जहाँ पे मनम्डू की रीमेक थी ये मूवी और फिर उन्हें जो है अभिनेता उन्हें अभिनेता उपेंद्र के साथ शीर्षक भूमिका में लिया गया था फिल्म व्यवसायी रूप से सफल रही थी इसके बारे में रेडिफ के अनुसार दोस्तों सबसे पहले जो है आरजी यानी कि विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण की स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो है भावनात्मक दृश्यों पर काम करने की जरूरत है दो के अंत तक फराग खान की हैप्पी न्यू ईयर को बंद कर दिया गया था और शाहरुख खान ने इसके बजाय जो है यानी कि मशाला फिल्म जो है ओम शांति ओम में काम करने चले गए 2007 के लिए दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया वही दोस्तों आगे आपको बता दें कि हिंदी फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि पर सेट की गई फिल्म एक संघर्षशील अभिनेता की कहानी को बताया गया है जो एक फिल्म स्टारर की मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेता है जो कि तैयारी के तौर पर दीपिका पादुकोण ने अभिनेत्रियों हेलेन और फिर जो हेमा मालिनी की कई फिल्में देखी ताकि उनके हाव भाव का अध्ययन किया जा सके कि उनकी आवाज को यानी कि आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने ड्रॉफ किया था फिल्म के के एक गाने जो है ताना लिए दीपिका पादुकोण ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सहारा लिया और फिर जो है यहाँ पे डोलिंग यानी कि रेसल के अनुसार यहाँ पे हस्त मुद्राओं और फिर जो है हाथ के इस सारों का उपयोग करके दर्शकों को मत्र मुक्त कर दिया था जो कि दोस्तों यहाँ पे ओम शांति ओम ये फिल्म जबरदस्त कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद और अब तक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है दीपिका पादुकोण ने अगली बार ही सही सिद्धार्थ आनंद की रोमांटिक कॉमेडी जो है बचना ए हसीनो 2007 में इनको रणबीर कपूर के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया इन्होंने इस फिल्म में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक की भूमिका निभाई फिल्म ब्यूटी रूप से सफल रही लेकिन आउटलुक की नम्रता जोशी ने उनके प्रदर्शन को फिल्म के अंदर पुतले जैसा और पूरी तरह से जो आग और फिर जो उत्साही की कमी के रूप में खारिज कर दिया रिव्यू करते हुए इसी के साथ 2009 के उनकी पहली रिलीज मूवी अक्षय कुमार के साथ कुनफू कॉमेडी चांदनी टू चाइना फिल्म थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काल की फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है जिसमें प्रभाष दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन ये सभी स्टार कास्ट इस फिल्म में नजर आने वाले हैं हो सकता है 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए ये मूवी दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं तो फैंस इस वीडियो में बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज होने वाली प्रभास की मच चेवेटेड फिल्म के बारे में इसका नाम है काल की अट्ठाईस अंठानवे ए तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रोम में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसी के साथ दोस्तों बता दें काल की, की ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है दो दिन पहले अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा की सबसे पहले आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए ताकि दोस्तों इस पूरी फिल्म को देखने से पहले आप लोगों को इस फिल्म की कहानी समझ में आ जाए साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है तो अगर आप लोग प्रभाष के फैन हो और काल फिल्म का वेट कर रहे हो

विज्ञान कथा एक्शन ड्रामा फिल्म है इसी साथ दोस्तों काल की फिल्म को बैजंती मूवीज के तहत सी अश्विन दत् द्वारा निर्मित किया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रभाष अमिताभ बच्चन कमल हासन और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण दिशा पतानी ब्राह्मानंदम इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाले हैं वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो सत्ताईस जून 2024 को ये फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज होने वाली है वहीं बात की जाए इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में छः करोड़ रुपये खर्च हुआ है वही दोस्तों बता दें फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई थी कि काल के निर्माण को कोविड 19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा है वही फिल्मांकन अंत तक जुलाई 2021 में और हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर इस फिल्म को शुरू किया गया जो कि मार्च 2024 में समाप्त तो होने से पहले अगले तीन वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा था इस फिल्म की शूटिंग 600 करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो बहत्तर मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट पर बनी काल की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों इसका संगीत के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का संगीत संतोष नारायण सर ने तैयार किया है इसका छायांकन के बारे में हम बात कर ले तो जो डजे ने तैयार किया है इसी के साथ इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में बात की जाए तो नितिन जी हानि चौधरी सर ने किया है काल की अठाईस अठानबे इको शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया अब इसे 27 जून 2024 को आईमिक्स और फिर अन्य फिल्म प्रारूपों में दुनिया भर में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है वहीं इस फिल्म के आधार के बारे में बात करें तो अट्ठाईस अठानवे ई में काशी का निर्जन शहर अब यानी के अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र शहर बन गया है जिस पर एक अधिनयकवादी अभिजात वर्ग सुप्रीम यानी कि की यासकीन का शासन चल रहा है जो शहर के ऊपर एक मौडराते हुए यानी कि पिरा मिन्डूमा बिसाल का एक खतरा है यानी की संरचना से है जिसे जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है वहाँ पे अब यहाँ पे भारतीय पौराणिक कथाओं और फिर एक डेस्टोपियन समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है इस फिल्म में जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व में महाभारत की घटनाओं से लेकर आज के कलयुग की शुरुआत अट्ठाईस अंठानवे ई तक की स समृद्धियों तक फैली हुई यात्रा को इसमें दिखाया गया है कथा का मूल हिंदू देवता विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार यानी कि कल की, की रहस्यमय आकृति के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को इसमें दिखाया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन को लेकर बात करें तो यहाँ पे सीधे बताया गया है साल 2019 में ही महानती की सफलता के बाद से नाग अश्विन सर ने कहा था कि वह लंबे समय से एक मूल कहानी और एक पदकथा पर काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से जिसका निर्माण जो है जल्द ही शुरू होगा उन्होंने बता दिया था लेकिन उस अगस्त में बैजती मूवीज ने घोषणा किया था कि उत्पादन सितंबर में शुरू होने वाला है और दृश्य कलाकारों और फिर डिजाइनरों और फिर जो लेखकों के लिए कास्टिंग कॉल पोस्ट किया जाएगा अब यहाँ पे प्रभाष को प्रोडक्शंस यहाँ पे हाउस ने Uh, सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को ही उनके स्टूडियो की स्थापना के लिए 50वें वर्ष के बाद जो है फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में उनको इसमें लाया गया लेकिन स्थायी रूप से दोस्तों प्रभाष कि नाग सुवानी और इसके अलावा प्रभाष 21 वन शीर्षक से अश्विन ने कहा था कि शुरुआती योजनाएं 2020 के अंत तक फिल्मांकन शुरू करने की है और वहीं दो के अंत तक फिल्म को कई जो भाषाओं में रिलीज किया जाएगा उन्होंने ये भी बता दिया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहरहाल दोस्तों इस फिल्म का शीर्षक जो है काल का संदर्भ रखा गया है जो कि भाग जो कि भागवत भागवतपुरन के हिसाब से भागवत भागवतपुरन के अनुसार हिंदू देवता विष्णु का एक अवतार ही है जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व यानी कि पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध के बाद जो है कलयुग की शुरुआत माना जाता है वही फिल्म कलयुग में जो है छः हजार साल बाद शुरू होता है जो कि अशोर दानो और काली के युग के इस फिल्म को बताया गया इस मूवीज में अब यहाँ पे दोस्तों बात करने वाली चीज़ यही है कि जुलाई 2020 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रभास के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका के लिए उनको इसमें साइन किया गया दीपिका पादुकोण ने महसूस किया कि वह प्रोडक्शन्स में शामिल होने के लिए बहुत रोमांचित थे जबकि अश्विन ने कहा था कि उनका किरदार एक आश्चर्य होगा फिल्म में क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि किसी मुख्य धारा के लीड ने पहले ऐसा कभी नहीं काम किया है अब ये फिल्म दीपिका पादुकोण की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत भी है जो कि बॉलीवुड हंगामा ने बताया है कि उनकी भूमिका शुरू में पर्याप्त नहीं थी फिल्म के लिए लेकिन उनके स्टार्टोम के अनुसार जो है इसमें सुधार किया गया लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में अमिताभ बच्चन को फिल्म में एक पूर्ण लंबाई वाली भूमिका में इसमें साइन किया गया है अश्विन ने कहा है कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके चरित्र का नाम जो है शुरुआती मसौदे का कार्यशाली शीर्षक इसमें रखा गया था इसके बाद से दोस्तों मई दो में दिशा बदानी कलाकारों में शामिल हुई जो कि लोफर 2015 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए जून 2023 में कमल हासन कलाकारों में शामिल हुए जो कि यहां पे आ चिकती राज्यम दो के बाद से तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए इसके बाद से उन्होंने अपनी भूमिका को एक कहमियों के रूप में वर्णित किया वहीं अगस्त 2023 में दुलारे सलमान ने भी मीडिया को बताया था कि उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा किया है हालांकि अभिनेता ने कभी भी फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि या फिर जो है खंडन नहीं किया इसके बाद से फरवरी 2024 में अन्ना बेन कलाकारों में शामिल हुई जो कि तेलुगु और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत है इस फिल्म के जरिए इसके अलावा दोस्तों पूर्व उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के, के के रूप में मान्यता दी गई थी कुछ समय पहले जो कि फ़िल्म के कामकाजी शीर्षक के रूप में काम किया गया अश्विन ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उच्च स्तरीय टेक्निकी और भविष्य के वाहनों की आवश्यकताएं थीं जिन्हें जो है फ़िल्म के लिए विकसित किया गया था और वहीं जबकि उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज सीजीआई जी का उपयोग करके फिर से बनाया जा सकता है बताया था वहीं अश्विन चाहते थे कि वह जो है यानी कि प्रमाणिक और फिर वास्तविक जो, जो है महसूस करे क्योंकि इसलिए उन्होंने इंजीनियरों की समर्पित टीम के साथ इन जो है वाहनों को वाहनों को खरोच खरोच से बचाने का विकल्प चुना मार्च 2022 में अश्विन ने व्यवसायी आनंद यानी कि महिंद्रा से इस प्रकार के वाहन बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था प्रोडक्शन टीम ने कुछ दिनों बाद ही सही महिंद्रा ने जवाब दिया था कि उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा चेन्नई में अपने महिंद्रा जो है रिसर्च वैली और फ्यज रिसर्च से प्रोडक्शन टीम की सहायता करेगी अब यहाँ से शुरू होता है जुलाई 2021 की कहानी 2021 में निर्माता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेट बनाया था जहां पर इस फिल्म को शूट किया गया जहां फिल्मांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया है इसके बाद से दोस्तों अगस्त दो 2020 में ए आर रहमान को शुरू में फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए संपर्क किया गया था रहमान ने फिल्म साइन नहीं की और अश्विन ने अपनी पिछली फिल्म जो है महानती दो के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा वही आर्था यानी कि संगीतकार जो है मिकीजे मेयर और फिर जो है छायाकार दानी संचेज लोपेज को लिया गया लेकिन बाद में यहाँ पे सर्बियाई जो है छायाकार जो डॉच के साथ मिलके स्टोलोजिको बीक ने फिल्म के आधिकारिक जो है छायाकार के रूप में दानी संचेज के साथ मिलकर काम किया था डानी संचेज लोपेक की जगह ले ली और फरवरी 2023 में दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा संतोष नारायण ने संगीतकार के रूप में मेयर की जगह ली साथ ही एक महिला जो कि बॉलीवुड संगीतकार ने फिल्म के लिए एक गीत की रचना की वहीं बताते चले कि यहां पे सिंगेटम जो है यानी कि श्रीनिवास राव एक संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए परियोजना में शामिल हुए थे वहीं दोस्तों काल की अट्ठाईस अंठानबे ई का अनुमानित बजट 600 करोड़ रखा गया है जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बहत्तर मिलियन डॉलर खर्च किया गया है शुरुआत में इस फिल्म की नियमित शूटिंग नवंबर 2020 में शुरू करने की योजनाएं रखी गई थी हालांकि दोस्तों कोविड नाइन्टीन महामारी जो कि आपको पता है बहुत ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड नाइन्टीन महामारी के आगमन के कारण ही इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया था वहीं अमिताभ बच्चन की विशेषता वाले एक मुहूर्त शॉट के बाद से जो है गुरु यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई 2021 में हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई जो कि प्रभाष और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2021 में प्रोडक्शंस में शामिल हुए बच्चन प्रभाष पादुकोण के दिवसों की शूटिंग की गई एक साथ शूटिंग का दूसरा शेड्यूल फरवरी दो में रखा गया था यहाँ पूरी फिल्म को एक ही बार में शूट करने के बजाय टीम ने अस्सी से लेकर नब्बे दिनों की शूटिंग को हर महीने सात से लेकर आठ दिनों में विभाजित किया इससे प्रोडक्शन टीम को समय भी मिल गया और फिल्म में इस्तेमाल होने वाले गैजेट और फीडियो तैयार करने का मौका भी मिल गया इसलिए फिल्म के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद रखी गई थी जो कि फिल्म को शूट करने के लिए यानी कि डी ए डी एलेक्सा पैंसठ कैमरे का के इस्तेमाल किया गया जिससे ये इस यानी की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रभास अप्रैल 2022 में अपने एकल हिस्से का फिल्मांकन भी शुरू करेंगे हालांकि उनके घुटने की सर्जरी के कारण जो है सलार और काल की अट्ठाईस अंठानबे ईस्वी सहित उनकी आगामी परियोजना में भी देरी हुई 90 परसेंट शूटिंग जो है रामोजी फिल्म सिटी में ही बनाए गए थे उसी सेट पर शूट किया गया है जून में बच्चन ने यहाँ पे राय दुर्गा मेट्रो स्टेशन पर एक सीन की शूटिंग की जुलाई में दीपिका पादुकोण और प्रभाष ने हैदराबाद में एक एक कार चेज सीक्वेंस की शूटिंग की है प्रभाष ने इस शेड्यूल के अंत तक अपने हिस्से की अधिकांश शूटिंग पूरी भी कर ली थी वहीं पर दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद रखी गई थी जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के काम में लगभग आठ महीने लगेंगे हालांकि मार्च 2023 में फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहीं जब बच्चन की यहाँ पे बच्चन की पसलियों में चोट लग गई फिर उन्हें जो है मुंबई में आराम करने की सलाह दी गई थी तब जून 2023 तक लगभग जो है 70 परसेंट फिल्मांकन पूरा हो गया था प्रभाष और दिशा पदानी पर आधारित एक रोमांटिक ट्रैक जो है मार्च दो हज़ार में इटली में फिल्माया गया था जिसमें जो है कैशॉर्ट का रॉयल यानी कि पैलेस भी शामिल किया गया है रिलीजिंग के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों फिल्म का पहला लुक 19 जुलाई 2023 को जारी किया गया था काल की अट्ठाईस सौ अंठानवे ई बीस जुलाई 2023 को सैन डियोगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में प्रस्तुत की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई जहां निर्माता ने आधिकारिक शीर्षक और फिर झलक का अनावरण किया था विस्तार से इससे पहले फिल्म में यानी कि काली के अनुयायी और फिर जो है भैरव के बीच एक महत्वपूर्ण दृश्य का एक सीमित कॉमिक यहाँ पे इस ट्रिप जो है पैनल पर जारी किया गया था महाशिवरात्रि के अनुसार दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्माता ने भैरव के रूप में प्रभाष के चरित्र का खुलासा करते हुए एक पोस्टर जारी किया था इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अश्वत के चरित्र का परिचय देते हुए एक नया टीजर 21 अप्रैल दो को जारी किया गया प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के अमर चरित्र से प्रेरित होकर यहाँ पे अश्वत्थामा को अमिताभ बच्चन ने चित्रित किया था जो कि 27 अप्रैल को निर्माता ने प्रभाष अमिताभ बच्चन और फिर जो है दीपिका पादुकोण के पोस्टर के साथ नई रिलीज की तारीख की घोषणा की 30 अप्रैल 2024 को प्रभाष ने सिनेमा और फिर जो है क्रिकेट के प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब वह जो है लखनऊ सुपर यानी कि जॉय्ट बनाना लखनऊ सुपर ज्वाइन बना मुंबई इंडियंस के दौरान एक आईपीएल प्रचार वीडियो के लिए भैरव के रूप में वो दिखाई दिए थे अब यहाँ पर 2 मई 2024 को अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के अपने चरित्र में दिखाई दिए जहाँ पे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्रेरक भाषण दिया क्योंकि वह ऐसी पुरुष यानी कि बीस दो हज़ार दो को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम में प्रभाष के साथ बातचीत कर रहे थे एक कार्यक्रम में प्रभाष के रोबोट यानी कि सा इसके ए एआई जो है यानी कि ह्यूमोनाइट वाहन बुजी का एक टीजर जारी किया गया जहाँ पे आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि हमें हमें यहाँ पे नाग अश्विन और उनके फिल्म जो है निर्माताओं की जमानत तो और बहुत गर्व है जो कि बड़ा जो है सोचने बड़ा सोचने से डरते नहीं है जबकि उन्होंने साझा किया है कि महिंद्रा रिसर्च यानी कि वेली के इंजीनियरों ने काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी की टीम को जो है भविष्य के वाहन के लिए अपने दृष्टिकोण को साकार करने में मदद की सत्ताईस मई दो हजार चौबीस को निर्माता और फिर जो है एमजॉन प्राइम वीडियो ने बुझी और फिर जो है भैरव यानी कि मानकों को भाग की यहाँ पे एनिमेटेड जो है यानी कि प्रस्तावना की घोषणा किया जहाँ पे इकतीस मई दो हजार चौबीस को काल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में मंच पर जारी किया गया था अब यहाँ पे इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दस जून 2024 को जारी किया गया था कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर ले तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कलाकार कॉन्सेप्ट जो है कलाकार के साथ मिलकर यहाँ पे सुंग चोई ने भी बाद में आरोप लगाया था कि ट्रेलर के शुरुआत में फिल्म में बिना अनुमति या फिर जो है क्रेडिट के उनके जो है कालकी का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही इसे 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था और फिर जनवरी 2024 के लिए निर्धारित भी किया गया था लेकिन कोविड 19 महामारी और फिर उत्पादन कार्य के कारण इसे 9 मई 2024 तक के लिए विलंबित कर दिया गया 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण जो है इसे फिर से 9 मई 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक के लिए स्थगित किया गया है वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को एक साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज करने की योजनाएं बनाई गई है जी यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना ये फिल्म एक साथ ही एक ही भाषा में रिलीज होगा पे दर्शक हो सकता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया प्यार दे अच्छा रिस्पॉन्स दे वही दोस्तों दीपिका पादुकोण में आइए कुछ रोमांटिक बातों को बताते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में दीपिका पादुकोण का जन्म पांच जनवरी उन्नीस को कोपेन है डेनमार्क में कोकनी भाषी भारतीय माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ था उनके पिता प्रकाश पादुकोन एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और उनकी मां उज्वला एक ट्रेवल एजेंट है और उनकी छोटी बहन एक गोल्फ खिलाड़ी है उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादुकोण एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गए उनकी शिक्षा बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा माउंट कोरमेल कॉलेज से पूरी की है उन्होंने उन्होंने समाज शास्त्र में कला कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था दीपिका पादुकोण ने कहा है वह एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे उनके जीवन का केंद्र यहाँ पे बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रति प्रतिस्पर्धी रूप से खेला हुआ है 2012 के एक इंटरव्यू में अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा मैं सुबह पाँच बजे उठती शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती स्कूल जाती फिर से बैडमिंटन खेलने जाती और अपना होमवर्क पूरा करती और फिर मैं सो जाती दीपिका पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा जो कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेल खेला उन्होंने कुछ राज्य कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेला हुआ है अपनी शिक्षा और फिर जो है खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल एक बाल यानी कि मॉडल के रूप में भी काम किया है पहली पहली बार बता दें कि आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन जो है अभियानों में दिखाई दी है जो कि दसवीं कक्षा में उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और फिर एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया 2004 में उन्होंने प्रसाद यानी कि प्रसाद जो है विद्यापा के संरक्षणों में एक मॉडल के रूप में अपना पूर्णकालिक जो है करियर शुरू किया है ये भी बताया है उन्होंने अपनी अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने यहाँ पे लेरिल यानी कि साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन से पहचान हासिल की और विभिन्न जो है अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की 2005 में उन्होंने डिजाइनर जो है सुनीत वर्मा के लिए सबसे पहले लकमे लकमे फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और फिर जो है किंग फिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपिका पादुकोण की पर्सी तब बढ़ गई जब वह 2006 यानी कि सबसे पहले जो है किंग फिशर यानी कि कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी अब यहां पर दोस्तों डिजाइनर जो है यानी कि वेंडिल और इसके अलावा रोडिक्स ने टिप्पणी किया कि ऐश्वर्या रॉय के ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है जो कि रोडिक्स ने उन्हें जो है गंजम के एक यानी कि ज्वेलरी क्लास में देखा था जिसे जो है वह पढ़ा जिसे वो पढ़ा रही थी और उन्हें यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि टैलेंट एजेंसी के साथ साइन कर दिया गया 2006 में उन्होंने सबसे पहले हिमेश रेशमिया के एल्बम जो है आपका सुरूर के गीत नाम में इन्होंने तेरे के साथ जो है वीडियो में अभिनय करके पहचान हासिल की थी इसके बाद से दोस्तों दीपिका पादुकोण को जल्द ही फिल्म जो है भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे सबसे पहले खुद को एक अभिनेत्री के रूप में बहुत यानी कि अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर की फिल्म एकेडमी में एक एक कोर्स के लिए दाखिला लिया बहुत सारी जो है मीडिया यहाँ पे अटकलों के बाद निर्देशक जो है फरा खान जिन्होंने उन्हें रेशमिया के संगीत वीडियो में देखा था उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका के लिए कास्ट करने का फैसला किया जिसका नाम जो है तब हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था जो कि यहाँ पे रोडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं यहाँ पे खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी वहीं उन्होंने मलाइका अरोरा से भी संपर्क किया था लेकिन रोडिक्स जिनके लिए दीपिका पादुकोण तब जो यानी कि लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उन्होंने उनकी सिफारिश अपने एक करीबी दोस्त यानी कि अरोरा से की जिन्होंने बदले में उनकी जो है सिफारिश खान के सामने की थी वहीं दोस्तों बता दें दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले ईश्वर्य दो हज़ार छः से अपने अभिनय की शुरुआत तो की ही थी जो कि दोस्तों इंद्रजीत यानी कि लंकेश द्वारा निर्देशित की गई एक कॉन्नाड फिल्म थी रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो है जहाँ पे मनमदुडू की रीमेक थी ये मूवी और फिर उन्हें जो है अभिनेता उन्हें अभिनेता उपेंद्र के साथ शीर्षक भूमिका में लिया गया था फिल्म व्यवसायी रूप से सफल रही थी इसके बारे में रेडिफ के अनुसार दोस्तों सबसे पहले जो है आरजी यानी कि विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण की स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो है भावनात्मक दृश्यों पर काम करने की ज़रूरत है 2006 के अंत तक फराह खान की हैप्पी न्यूवर को बंद कर दिया गया था और शाहरुख खान ने इसके बजाय जो है यानी कि मशाला फिल्म जो ओम शांति ओम में काम करने चले गए 2007 के लिए दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया वही दोस्तों आगे आपको बता दें कि हिंदी फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि पर सेट की गई फिल्म एक संघर्षशील अभिनेता की कहानी को बताया गया है जो एक फिल्म स्टारर की मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेता है जो कि तैयारी के तौर पर दीपिका पादुकोण ने अभिनेत्रियों हेलेन और फिरजुए हेमा मालिनी की कई फिल्में देखी ताकि उनके हाव भाव का अध्ययन किया जा सके उनकी आवाज़ को वयस यानी कि वयस्ट आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने ड्रॉप किया था फिल्म के एक गाने जो है थाना के लिए दीपिका पादुकोण ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सहारा लिया और फिर जो है यहाँ पे यानी कि के अनुसार यहाँ पे हस्त मुद्राओं और फिर जो है हाथ के इस सारों का उपयोग करके दर्शकों को मत्र कर दिया था जो कि दोस्तों यहाँ पे ओम शांति ओम ये फिल्म जबरदस्त कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद और अब तक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है दीपिका पादुकोण ने अगली बार ही सही सिद्धार्थ आनंद की रोमांटिक कॉमेडी जो है बचना ए हसीनो 2007 में इनको रणबीर कपूर के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया इन्होंने इस फिल्म में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक की भूमिका निभाई फिल्म ब्यूटी रूप से सफल रही लेकिन आउटलुक की नम्रता जोशी ने उनके प्रदर्शन को फिल्म के अंदर पुतले जैसा और पूरी तरह से जो आग और फिर जो उत्साह की कमी के रूप में खारिज कर दिया रिव्यू करते हुए इसी के साथ 2009 के उनकी पहली रिलीज मूवी अक्षय कुमार के साथ कुनफू कॉमेडी फिल्म थी जो की दोस्तों बच्चन, ये ये स्टार कास्ट, इस फिल्म में नजर आने वाले हैं हो सकता है 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए मूवी दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो फैंस इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टीन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज होने वाली प्रभास की मच चवेटेड फिल्म के बारे में इसका नाम है काल की अट्ठाईस अंठानबे ए तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रोब में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसी के साथ दोस्तों बता दें काल की, की ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है दो दिन पहले अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए ताकि दोस्तों इस पूरी फिल्म को देखने से पहले आप लोग को इस फिल्म की कहानी समझ में आ जाए साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है तो अगर आप लोग प्रभाष के फैन हो और काल फिल्म का वेट कर रहे हैं

विज्ञान कथा एक्शन ड्रामा फिल्म है इसी साथ दोस्तों काल की फिल्म को बेजंती मूवीज के तहत सी अश्विन दत्त द्वारा निर्मित किया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन कमल हासन और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण दिशा पतानी ब्राह्मानंदम इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाले हैं वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो 27 जून 2024 को ये फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज होने वाली है वहीं बात की जाए इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में छः करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं दोस्तों बता दें फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई थी कि काल के निर्माण को कोविड 19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा है वहीं फिल्मांकन अंत तक जुलाई 2021 में और हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर इस फिल्म को शुरू किया गया जो कि मार्च 2024 में समाप्त तो होने से पहले अगले तीन वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा था इस फिल्म की शूटिंग 600 करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो बहत्तर मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट पर बनी काल की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों इसका संगीत के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का संगीत संतोष नारायण सर ने तैयार किया है इसका छायांकन के बारे में हम बात कर ले तो जो डजे ने तैयार किया है इसी के साथ इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में बात की जाए तो नितिन जी हानी चौधरी सर ने किया है काल की अठाईस अंठानवे को शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया अब इसे 27 जून 2024 को आईमेक्स और फिर अन्य फिल्म प्रारूपों में दुनिया भर में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है वहीं इस फिल्म के आधार के बारे में बात करें तो अट्ठाईस अंठानवे ई में काशी का निर्जन शहर अब यानी कि अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र शहर बन गया है जिस पर एक अधिनायकवादी अभिजात वर्ग सुप्रीम यानी कि यासकिन का शासन चल रहा है जो शहर के ऊपर एक मौडराते हुए यानी कि पिरा विशाल का एक खतरा है यानी कि संरचना से है जिसे जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है वहाँ पे अब यहाँ पे भारतीय पौराणिक कथाओं और फिर एक दस्टोपियन समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है इस फिल्म में जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व में महाभारत की घटनाओं से लेकर आज के कलयुग की शुरुआत अट्ठाईस अंठानबे ई तक की स समृद्धियों तक फैली हुई यात्रा को इसमें दिखाया गया है कथा का मूल हिंदू देवता विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार यानी कि कल की, की रहस्यमय आकृति के ईर्द गिर्द गुमती हुई कहानी को इसमें दिखाया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन को लेकर बात करें तो यहाँ पे सीधे बताया गया है साल 2019 में ही महानती की सफलता के बाद से नाग अश्विन सर ने कहा था कि वह लंबे समय से एक मूल कहानी और एक पदकथा पर काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से इसका निर्माण जो है जल्द ही शुरू होगा उन्होंने बता दिया था लेकिन उस अगस्त में बैस जंती मूवीज़ ने घोषणा किया था कि उत्पादन सितंबर में शुरू होने वाला है और दीर्घ कलाकारों और फिर डिज़ाइनरों और फिर जो लेखकों के लिए कास्टिंग कॉल पोस्ट किया जाएगा अब यहाँ पे प्रभाष को प्रोडक्शंस यहाँ पे हाउस ने सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को ही उनके स्टूडियो की स्थापना के लिए 50वें वर्ष के बाद जो है फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में उनको इसमें लाया गया लेकिन अस्थाई रूप से दोस्तों प्रभाष यानी कि नाग स्वानी और इसके अलावा प्रभाष 21 वन शीर्षक से अश्विन ने कहा था कि शुरुआती योजनाएं 2020 के अंत तक फिल्मांकन शुरू करने की है और वही 2021 के अंत तक फिल्म को कई जो है भाषाओं में रिलीज किया जाएगा उन्होंने ये भी बता दिया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहरहाल दोस्तों इस फिल्म का शीर्षक जो है कालकी का संदर्भ रखा गया है जो कि भाग जो कि भागवत भागवतपुरन के हिसाब से भागवत भागवतपुरन के अनुसार हिंदू देवता विष्णु का एक अवतार ही है जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व यानी कि पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध के बाद जो है कलयुग की शुरुआत माना जाता है वही फिल्म कलयुग में जो 6000 हजार साल बाद शुरू होता है जो कि अशोर दानो और काली के युग के इस फिल्म को बताया गया इस मूवीज में अब यहाँ पे दोस्तों बात करने वाली चीज यह है कि जुलाई 2020 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रभाष के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका के लिए उनको इसमें साइन किया गया दीपिका पादुकोण ने महसूस किया कि वह प्रोडक्शन्स में शामिल होने के लिए बहुत रोमांचित थी जबकि अश्विन ने कहा था कि उनका किरदार एक आश्चर्य होगा फिल्म में क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि किसी मुख्य धारा के लीड ने पहले ऐसा कभी नहीं काम किया है अब ये फिल्म दीपिका पादुकोण की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत हुई है जो कि बॉलीवुड हंगामा ने बताया है कि उनकी भूमिका शुरू में पर्याप्त नहीं थी फिल्म के लिए लेकिन उनके स्टार के अनुसार जो है इसमें सुधार किया गया लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में अमिताभ बच्चन को फिल्म में एक पूर्ण लंबाई वाली भूमिका में इसमें साइन किया गया है अश्विन ने कहा है कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके चरित्र का नाम जो है शुरुआती मसौदे का कार्यशाली शीर्षक इसमें रखा गया था इसके बाद से दोस्तों मई दो में दिशा पदानी कलाकारों में शामिल हुई जो कि लोफर 2015 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए जून 2023 में कमल हसन कलाकारों में शामिल हुए जो कि यहाँ पे आ चिक्ती राज्यम दो हज़ार पंद्रह के बाद से तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए इसके बाद से उन्होंने अपनी भूमिका को एक कहमियों के रूप में वर्णित किया वहीं अगस्त 2023 में दुलारे सलमान ने भी मीडिया को बताया था कि उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा किया है हालांकि अभिनेता ने कभी भी फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि या फिर जो है खंडन नहीं किया इसके बाद से फरवरी दो में अन्ना बेन कलाकारों में शामिल हुई जो कि तेलुगु और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत है इस फिल्म के जरिए इसके अलावा दोस्तों पूर्व उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के, के के रूप में मान्यता दी गई थी कुछ समय पहले जो कि फिल्म के कामकाजी शीर्षक के रूप में काम किया गया अश्विन ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी और भविष्य के वाहनों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जो है फिल्म के लिए विकसित किया गया था और वहीं जबकि उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज रे जी का उपयोग करके फिर से बनाया जा सकता है बताया था वहीं अश्विन चाहते थे कि वह जो है यानी कि प्रमाणिक और फिर जो वास्तविक जो है महसूस करे क्योंकि इसलिए उन्होंने इंजीनियरों की समर्पित टीम के साथ इन जो है वाहनों को वाहनों को खरोच खरोच से बचाने का विकल्प चुना मार्च दो में अश्विन ने व्यवसायी आनंद यानी कि महिंद्रा से इस प्रकार के वाहन बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था प्रोडक्शन टीम ने कुछ दिनों बाद ही सही महिंद्रा ने जवाब दिया था कि उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा चेन्नई में अपने महिंद्रा जो है रिसर्च वैली और फिर जो है से प्रोडक्शन टीम की सहायता करेगी अब यहां से शुरू होता है जुलाई 2021 की कहानी 2021 में निर्माता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेट बनाया था जहाँ पर इस फिल्म को शूट किया गया जहाँ फिल्मांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया है इसके बाद से दोस्तों अगस्त दो 2020 में ए आर रहमान को शुरू में फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए संपर्क किया गया था रहमान ने फिल्म साइन नहीं की और अश्विन ने अपनी पिछली फिल्म जो है महानती दो के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा यानी कि संगीतकार दानी संचेज लोपेज को लिया गया लेकिन बाद में यहाँ पे सर्बियाई है छायाकार जो डॉज के साथ मिलकर स्टोलोजिको बीक ने फिल्म के आधिकारिक है छायाकार के रूप में दानी संचेज के साथ मिलकर काम किया था दानी संचेज लोपेक की जगह ले ली और फरवरी 2023 में दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा संतोष नारायण ने संगीतकार के रूप में मेयर की जगह ली साथ ही एक महिला जो कि बॉलीवुड संगीतकार ने फिल्म के लिए एक गीत की रचना की वहीं बताते चले कि यहां पे सिंगेटम जो है यानी कि श्रीनिवास राव एक संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए परियोजना में शामिल हुए थे वहीं दोस्तों काल की अट्ठाईस अंठानवे ई का अनुमानित बजट 600 करोड़ रखा गया है जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बहत्तर मिलियन डॉलर खर्च किया गया है शुरुआत में इस फिल्म की नियमित शूटिंग नवंबर 2020 में शुरू करने की योजनाएं रखी गई थी हालांकि दोस्तों कोविड नाइन्टीन महामारी जो कि आपको पता है बहुत ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड नाइन्टीन महामारी के आगमन के कारण ही इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया था वही अमिताभ बच्चन की विशेषता वाले एक के मुहूर्त शॉट के बाद से जो है गुरु यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई 2021 में हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई जो कि प्रभाष और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2021 में प्रोडक्शंस में शामिल हुए बच्चन प्रभाष पादुकोण के दृश्य की शूटिंग की गई एक साथ शूटिंग का दूसरा शेड्यूल फरवरी दो में रखा गया था यहाँ पूरी फिल्म को एक ही बार में शूट करने के बजाय टीम ने अस्सी से लेकर नब्बे दिनों की शूटिंग को हर महीने सात से लेकर आठ दिनों में विभाजित किया इससे प्रोडक्शन टीम को समय भी मिल गया और फिल्म में इस्तेमाल होने वाले गैजेट और फिडियो प्रव तैयार करने का मौका भी मिल गया इसलिए फिल्म के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद रखी गई थी जो कि फिल्म को शूट करने के लिए यानी कि डी ए डी एलेक्सा पैंसठ कैमरे का इस्तेमाल किया गया जिससे ये इस यानी कि टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रभास अप्रैल 2022 में अपने एकल हिस्से का फिल्मांकन भी शुरू करेंगे हालांकि उनके घुटने की सर्जरी के कारण जो है सलार और काल की अट्ठाईस अंठानबे ईस्वी सहित उनकी आगामी परियोजना में भी देरी हुई 90 परसेंट शूटिंग जो है रामोजी फिल्म सिटी में ही बनाए गए थे उसी सेट पर शूट किया गया है जून में बच्चन ने यहाँ पे राय दुर्गा मेट्रो स्टेशन पर एक सीन की शूटिंग की जुलाई में दीपिका पादुकोण और प्रभाष ने हैदराबाद में एक एक कार्ड सीक्वेंस की शूटिंग की है प्रभाष ने इस शेड्यूल के अंत तक अपने हिस्से की अधिकांश शूटिंग पूरी भी कर ली थी वहीं पर दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद रखी गई थी जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के काम में लगभग आठ महीने लगेंगे हालांकि मार्च 2023 हजार तेईस में फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहीं जब बच्चन की यहाँ पे बच्चन की पसलियों में चोट लग गई फिर उन्हें जो है मुंबई में आराम करने की सलाह दी गई थी तब जून 2023 तक लगभग जो है 70 परसेंट फिल्मांकन पूरा हो गया था प्रभास और दिशा पदाने पर आधारित एक रोमांटिक ट्रैक जो है मार्च दो चौबीस में इटली में फिल्माया गया था जिसमें जो है कैशॉर्ट का रॉयल यानी कि पैलेस भी शामिल किया गया है रिलीजिंग के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों फिल्म का पहला लुक 19 जुलाई 2023 को जारी किया गया था काल के अट्ठाईस सौ ई बीस जुलाई 2023 को सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में प्रस्तुत की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई जहां निर्माता ने आधिकारिक शीर्षक और फिर झलक का निवारण किया था विस्तार से इससे पहले फिल्म में द्स यानी कि काली के अनुयायी और फिर जो है भैरव के बीच एक महत्वपूर्ण दृश्य का एक सीमित कॉमिक यहाँ पे इस ट्रिप जो है पैनल पर जारी किया गया था महाशिवरात्रि के अनुसार दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्माता ने भैरव के रूप में प्रभाष के चरित्र का खुलासा करते हुए एक पोस्टर जारी किया था इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अश्वत्थमा के चरित्र का परिचय देते हुए एक नया टीजर 21 अप्रैल 2024 को जारी किया गया भारतीय महाकाव्य महाभारत के अमर चरित्र से प्रेरित होकर यहाँ पे अश्वत्थामा को अमिताभ बच्चन ने चित्रित किया था जो कि 27 अप्रैल को निर्माता ने प्रभाष अमिताभ बच्चन और फिर जो है दीपिका पादुकोण के पोस्टर के साथ नई रिलीज की तारीख की घोषणा की 30 अप्रैल 2024 को प्रभाष ने सिनेमा और फिर जो है क्रिकेट के प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब वह जो है लखनऊ सुपर यानी ज्वाइंट बनाना लखनऊ सुपर ज्वाइन बना मुंबई इंडियंस के दौरान एक आईपीएल प्रचार वीडियो के लिए भैरव के रूप में वो दिखाई दिए थे अब यहाँ पर 2 मई 2024 को अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के अपने चरित्र में दिखाई दिए जहाँ पे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्रेरक भाषण दिया क्योंकि वह आईसीसी पुरुष यानी कि 20 दो में बाईस दो को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम में प्रभाष के साथ बातचीत कर रहे थे एक कार्यक्रम में प्रभाष के रोबोट्स यानी कि किक इसके अलावा ए जो है यानी कि ह्यूमोराइट वाहन बुजी का एक टीजर जारी किया गया जहाँ पे आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि हमें हमें यहाँ पे नाग अश्विन और उनके फिल्म जो है निर्माताओं की जमानत तो और बहुत गर्वा है जो कि बड़ा जो है सोचने बड़ा सोचने से डरते नहीं है जबकि उन्होंने साझा किया है कि महिंद्रा रिसर्च यानी कि वेली के इंजीनियरों ने काल की अट्ठाईस अंठानवे की टीम को जो है भविष्य के वाहन के लिए अपने दृष्टिकोण को साकार करने में मदद की सत्ताईस मई दो हजार चौबीस को निर्माताओं और फिर जो है एमेजोन प्राइम वीडियो ने बुझी और फिर जो है भैरव यानी कि मानकों को भाग की यहाँ पे एनिमेटेड जो है यानी कि प्रस्तावना की घोषणा किया जहाँ पे इकतीस मई दो हजार चौबीस को काल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में मंच पर जारी किया गया था अब यहाँ पे इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दस जून 2024 को जारी किया गया था कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कलाकार कॉन्सेप्ट जो है कलाकार के साथ मिलकर यहाँ पे सुंग चोई ने भी बाद में आरोप लगाया था कि ट्रेलर के शुरुआत में फिल्म में बिना अनुमति या फिर जो है क्रेडिट के उनके जो है कालकी का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही इसे 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था और फिर जनवरी 2024 के लिए निर्धारित भी किया गया था लेकिन कोविड 19 महामारी और फिर उत्पादन कार्य के कारण इसे 9 मई 2024 तक के लिए विलंबित कर दिया गया 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण जो है इसे फिर से 9 मई 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक के लिए स्थगित किया गया है वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को एक साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज करने की योजनाएं बनाई गई है जी यहाँ फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना ये फिल्म एक साथ ही एक ही भाषा में रिलीज होगा पे दर्शक हो सकता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया प्यार दे अच्छा रिस्पॉन्स दे वहीं दोस्तों दीपिका पादुकोण में आइए कुछ रोमांटिक बातों को बताते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में दीपिका पादुकोण का जन्म पांच जनवरी उन्नीस को कोपेन हेगन डेनमार्क में कोकनी भाषी भारतीय माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ था उनके पिता प्रकाश पादकुन एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और उनकी माँ उज्वला एक ट्रेवल एजेंट है और उनकी छोटी बहन अनीसा एक गोल्फ खिलाड़ी है उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादुकोण एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गए उनकी शिक्षा बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा माउंट कौरमेल कॉलेज से पूरी की है उन्होंने उन्होंने समाज शास्त्र में कला कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था दीपिका पादुकोण ने कहा है वह एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे उनके जीवन का केंद्र यहाँ पे बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रति प्रतिस्पर्धि रूप से खेला हुआ है 2012 के एक इंटरव्यू में अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा मैं सुबह पाँच बजे उठती शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती स्कूल जाती फिर से बैडमिंटन खेलने जाती और अपना होमवर्क पूरा करती और फिर मैं सो जाती दीपिका पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में बैडमिंटन में अपने करियर बनाना जारी रखा जो कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेल खेला उन्होंने कुछ राज्य कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेला हुआ है अपनी शिक्षा और फिर जो है खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल एक बाल यानी कि मॉडल के रूप में भी काम किया है पहली पहली बार बता दें कि आठ साल की, की उम्र में कुछ विज्ञापन जो है अभियानों में दिखाई दी है जो कि दसवीं कक्षा में उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और फिर एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया 2004 में उन्होंने प्रसाद यानी कि प्रसाद जो है विद्यापा के संरक्षणों में एक मॉडल के रूप में अपना पूर्णकालिक जो है करियर शुरू किया है ये भी बताया है उन्होंने अपनी अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने यहाँ पे ले रिल यानी कि साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन से पहचान हासिल की और विभिन्न जो है अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की 2005 में उन्होंने डिजाइनर जो है सुनीत वर्मा के लिए सबसे पहले लकमे फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और फिर जो है किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपिका पादुकोण की पर्सी तब बढ़ गई जब वह दो हजार छह सबसे पहले जो है किंग फिशर यानी कि कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी अब यहां पर दोस्तों डिजाइनर जो है यानी कि वेंडिल और इसके अलावा रोडिक्स ने टिप्पणी किया कि ऐश्वर्या रॉय के ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है जो कि रोडिक्स ने उन्हें जो है गंजम के एक यानी कि ज्वेलरी क्लास में देखा था जिसे जो है वह पढ़ा जिसे वो पढ़ा रही थी और उन्हें यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि टैलेंट एजेंसी के साथ साइन कर दिया गया दो में उन्होंने सबसे पहले हिमेश रेशमिया के एल्बम जो है आपका सुरूर के गीत नाम में इन्होंने तेरे के साथ जो है वीडियो में अभिनय करके पहचान हासिल की थी इसके बाद से दोस्तों दीपिका पादुकोण को जल्द ही फिल्म जो है भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे सबसे पहले खुद को एक अभिनेत्री के रूप में बहुत यानी कि अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर की फिल्म एकेडमी में एक एक कोर्स के लिए दाखिला लिया बहुत सारी जो है मीडिया यहाँ पे अटकलों के बाद निर्देशक जो है फरा खान जिन्होंने उन्हें रेशमिया के संगीत वीडियो में देखा था उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका के लिए कास्ट करने का फ़ैसला किया जिसका नाम जो है तब हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था जो कि यहाँ पे रोडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं यहाँ पे खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी वहीं उन्होंने मलाइका अरोरा से भी संपर्क किया था लेकिन रोडिक्स जिनके लिए दीपिका पादुकोण तब जो यानी कि लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उन्होंने उनकी सिफारिश अपने एक के करीबी दोस्त यानि कि अरोरा से की जिन्होंने बदले में उनकी जो है सिफ़ारिश खान के सामने की थी वहीं दोस्तों बता दें दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले ऐश्वर्य दो हज़ार से अपने अभिनय की शुरुआत तो की ही थी जो कि दोस्तों इंद्रजीत यानी कि लंकेश द्वारा निर्देशित की गई एक कर्नाड फिल्म थी रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो है जहाँ पे मनमदुडू की रीमेक थी मूवी और फिर उन्हें जो है अभिनेता उन्हें अभिनेता उपेंद्र के साथ शीर्षक भूमिका में लिया गया था फिल्म व्यवसायी रूप से सफल रही थी इसके बारे में रेडिफ के अनुसार दोस्तों सबसे पहले जो है आर यानी कि विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण को स्क्रीन उपस्थिति की, उपस की सराहना की है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो है भावनात्मक दृश्यों पर काम करने की जरूरत है 2006 के अंत तक फराग खान की हैप्पी न्यूवर को बंद कर दिया गया था और शाहरुख खान ने इसके बजाय जो है यानी कि मसाला फिल्म जो है ओम शांति ओम में काम करने चले गए 2007 के लिए दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया वहीं दोस्तों आगे आपको बता दें कि हिंदी फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि पर सेट की गई फिल्म एक संघर्षशील अभिनेता की कहानी को बताया गया है जो एक फिल्म स्टारर की मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेता है जो कि तैयारी के तौर पर दीपिका पादुकोण ने अभिनेत्रियों हेलेन और फिर जो हेमा मालिनी की कई फिल्में देखी ताकि उनके हाव भाव का अध्ययन किया कि शेट्टी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सहारा लिया और फिर जो है यहाँ पे डोलिंग यानी रेसल के अनुसार यहाँ पे हस्त मुद्राओं और फिर जो है हाथ के इस सारों का उपयोग करके दर्शकों को मत्र मुख कर दिया था जो कि दोस्तों यहाँ पे ओम शांति ओम ये फिल्म जबरदस्त कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद और अब तक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है दीपिका पादुकोण ने अगली बार ही सही सिद्धार्थ आनंद की रोमांटिक कॉमेडी जो है बचना ए हसीनो 2007 में इनको रणबीर कपूर के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया इन्होंने इस फिल्म में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक की भूमिका निभाई फिल्म व्यवतीय रूप से सफल रही लेकिन आउटलुक की नम्रता जोशी ने उनके प्रदर्शन को फिल्म के अंदर पुतले जैसा और पूरी तरह से जो आग और फिर उत्साही की कमी के रूप में खारिज कर दिया रिव्यू करते हुए इसी के, के साथ 2009 की उनकी पहली रिलीज मूवी अक्षय कुमार के साथ कुनफू कॉमेडी चांदनी टू चाइना फिल्म थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काल की फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है जिसमें प्रभाष दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन ये सभी स्टार कास्ट इस फिल्म में नजर आने वाले हैं हो सकता है 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए ये मूवी दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं तो फैंस इस वीडियो में बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज़ होने वाली प्रभास की मच सेवेटेड फिल्म के बारे में इसका नाम है काल्की अट्ठाईस ए तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रोव में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसी के साथ दोस्तों बता दें कालकी की, की ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है दो दिन पहले अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए ताकि दोस्तों इस पूरी फिल्म को देखने से पहले आप लोग को इस फिल्म की कहानी समझ में आ जाए साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है तो अगर आप लोग प्रभाष के फैन हो और कालकी फिल्म का वेट कर रहे हो

विज्ञान कथा एक्शन ड्रामा फिल्म है इसी साथ दोस्तों काल की फिल्म को बेजंती मूवीज के तहत सी अश्विन दत्त द्वारा निर्मित किया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन कमल हासन और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण दिशा पतानी ब्राह्मानंदम इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाले हैं वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो 27 जून 2024 को ये फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज होने वाली है वहीं बात की जाए इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में छः करोड़ रुपया खर्च हुआ है वहीं दोस्तों बता दें फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई थी कि काल के निर्माण को कोविड 19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा है वहीं फिल्मांकन अंत तक जुलाई 2021 में और हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर इस फिल्म को शुरू किया गया जो कि मार्च 2024 में समाप्त तो होने से पहले अगले तीन वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा था इस फिल्म की शूटिंग 600 करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो बहत्तर मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट पर बनी काल की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है वहीं दोस्तों इसका संगीत के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का संगीत संतोष नारायण सर ने तैयार किया है इसका छायांकन के बारे में हम बात कर ले तो जो डजे ने तैयार किया है इसी के साथ इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में बात की जाए तो नितिन जी हानि चौधरी सर ने किया है काल की अठाईस अंठानवे इको शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया अब इसे 27 जून 2024 को आईमिक्स और फिर अन्य फिल्म प्रारूपों में दुनिया भर में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है वहीं इस फिल्म के आधार के बारे में बात करें तो अट्ठाईस अंठानबे ई में काशी का निर्जन शहर अब यानी के अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र शहर बन गया है जिस पर एक अधिनयकवादी अभिजात वर्ग सुप्रीम यानी कि यासकीन का शासन चल रहा है जो शहर के ऊपर एक मौड हुए यानी कि पिरा मिंडूमा बिसाल का एक खतरा है पिरािंडूना यानी की संरचना से है जिसे जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है वहाँ पे अब यहाँ पे भारतीय पौराणिक कथाओं और फिर एक दोपियन समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है इस फिल्म में जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व में महाभारत की घटनाओं से लेकर आज के कलयुग की शुरुआत अट्ठाईस अंठानवे ई तक की सबृद्धियों तक फैली हुई यात्रा को इसमें दिखाया गया है कथा का मूल हिंदू देवता विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार यानी कि कल की, की रहस्यमय आकृति के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को इसमें दिखाया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन को लेकर बात करें तो यहाँ पे सीधे बताया गया है साल 2019 में ही महानती की सफलता के बाद से नाग अश्विन सर ने कहा था कि वह लंबे समय से एक मूल कहानी और एक पदकथा पर काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से इसका निर्माण जो है जल्द ही शुरू होगा उन्होंने बता दिया था लेकिन उस अगस्त में जयंती मूवीज़ ने घोषणा किया था कि उत्पादन सितंबर में शुरू होने वाला है और दृश्य कलाकारों और फिर डिजाइनरों और फिर जो लेखकों के लिए कास्टिंग कॉल पोस्ट किया जाएगा अब यहाँ पे प्रभाष को प्रोडक्शंस यहाँ पे हाउस ने आ, सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को ही उनके स्टूडियो की स्थापना के लिए 50वें वर्ष के बाद जो है फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में उनको इसमें लाया गया लेकिन अस्थाई रूप से दोस्तों प्रभाष जैन की नाग सुवानी और इसके अलावा प्रभाष 21 वन शीर्षक से, से अश्विन ने कहा था कि शुरुआती योजनाएं 2020 के अंत तक फिल्मांकन शुरू करने की है और वहीं 2021 के अंत तक फिल्म को कई जो है भाषाओं में रिलीज किया जाएगा उन्होंने ये भी बता दिया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहरहाल दोस्तों इस फिल्म का शीर्षक जो है कालकी का संदर्भ रखा गया है जो कि भाग जो कि भागवत भागवतपुरन के हिसाब से भागवत भागवतपुरन के अनुसार हिंदू देवता विष्णु का एक अवतार ही है जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व यानी कि पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध के बाद जो है कलयुग की शुरुआत माना जाता है वही फिल्म कलयुग में जो है छः हज़ार साल बाद शुरू होता है जो कि अशोर दानो और काली के युग के इस फिल्म को बताया गया है इस मूवीज में अब यहाँ पे दोस्तों बात करने वाली चीज़ यह है कि जुलाई 2020 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रभास के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका के लिए उनको इसमें साइन किया गया दीपिका पादुकोण ने महसूस किया कि वह प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए बहुत रोमांचित थी जबकि अश्विन ने कहा था कि उनका किरदार एक आश्चर्य होगा फिल्म में क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि किसी मुख्यधारा के लीड ने पहले ऐसा कभी नहीं काम किया है अब ये फिल्म दीपिका पादुकोण की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत भी है जो कि बॉलीवुड हंगामा ने बताया है कि उनकी भूमिका शुरू में पर्याप्त नहीं थी फिल्म के लिए लेकिन उनके स्टार्टोम के अनुसार जो है इसमें सुधार किया गया लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में अमिताभ बच्चन को फिल्म फ्रेंग में एक पूर्ण लंबाई वाली भूमिका में इसमें साइन किया गया है अश्विन ने कहा है कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके चरित्र का नाम जो है शुरुआती मसौदे का कार्यशाली शीर्षक इसमें रखा गया था इसके बाद से दोस्तों मई दो में दिशा बदानी कलाकारों में शामिल हुई जो कि लोफर 2015 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए जून 2023 में कमल हासन कलाकारों में शामिल हुए जो कि यहाँ पे आ चिकती राज्यम दो और पंद्रह के बाद से तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए इसके बाद से उन्होंने अपनी भूमिका को एक कहमियों के रूप में वर्णित किया वहीं अगस्त 2023 में दुलारे सलमान ने भी मीडिया को बताया था कि उन्होंने फ़िल्म के सेट का दौरा किया है हालांकि अभिनेता ने कभी भी फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि या फिर जो है खंडन नहीं किया इसके बाद से फरवरी दो में अन्ना बेन कलाकारों में शामिल हुई जो कि तेलुगु और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत है इस फिल्म के ज़रिए इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्पादन के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के, के के रूप में मान्यता दी गई थी कुछ समय पहले जो कि फ़िल्म के कामकाजी शीर्षक के रूप में काम किया गया अश्विन ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उच्च स्तरीय टेक्निक और भविष्य के वाहनों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जो है फिल्म के लिए विकसित किया गया था और वहीं जबकि उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज रे जी का उपयोग करके फिर से बनाया जा सकता है बताया था वहीं अश्विन चाहते थे कि वह जो है यानी कि प्रमाणिक और फिर जो वास्तविक जो है महसूस करे क्योंकि इसलिए उन्होंने इंजीनियरों की समर्पित टीम के साथ इन जो है वाहनों को वाहनों को खरोच खरोच से बचाने का विकल्प चुना मार्च 2022 में अश्विन ने व्यवसायी आनंद यानी कि महिंद्रा से इस प्रकार के वाहन बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था प्रोडक्शन टीम ने कुछ दिनों बाद ही सही महिंद्रा ने जवाब दिया था कि उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा चेन्नई में अपने महिंद्रा जो है रिसर्च वैली और फ्यूज रिसर्च से प्रोडक्शन टीम की सहायता करेगी अब यहाँ से शुरू होता है जुलाई 2021 की कहानी 2021 में निर्माता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेट बनाया था जहां पर इस फिल्म को शूट किया गया जहां फिल्मांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया है इसके बाद से दोस्तों अगस्त दो 2020 में ए आर रहमान को शुरू में फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए संपर्क किया गया था रहमान ने फिल्म साइन नहीं की और अश्विन ने अपनी पिछली फिल्म जो है महानती दो के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा वही अर्थात यानी कि संगीतकार जो है मेयर और फिर जो छायाकार दानी संचेज लोपेज को लिया गया लेकिन बाद में यहाँ पे सर्बियाई जो छायाकार जो डॉज के साथ मिलके स्टोलोजिको तो बीक ने फिल्म के आधिकारिक जो है छायाकार के रूप में दानी संचित के साथ मिलकर काम किया था दानी संचेज लोपेक की जगह ले ली और फरवरी 2023 में दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा संतोष नारायण ने संगीतकार के रूप में मेयर की जगह ली साथ ही एक महिला जो कि बॉलीवुड संगीतकार ने फिल्म के लिए एक गीत की रचना की वहीं बताते चले कि यहां पे सिंगेटम जो है यानी कि श्रीनिवास राव एक संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए परियोजना में शामिल हुए थे वहीं दोस्तों काल की अट्ठाईस अंठानवे ई का अनुमानित बजट 600 करोड़ रखा गया है जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बहत्तर मिलियन डॉलर खर्च किया गया है शुरुआत में इस फिल्म की नियमित शूटिंग नवंबर 2020 में शुरू करने की योजनाएं रखी गई थी हालांकि दोस्तों कोविड नाइन्टीन महामारी जो कि आपको पता है बहुत ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड नाइन्टीन महामारी के आगमन के कारण ही इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया था वहीं अमिताभ बच्चन की विशेषता वाले एक के मुहूर्त शॉट के बाद से जो है गुरु यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई 2021 में हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई जो कि प्रभाष और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2021 में प्रोडक्शंस में शामिल हुए बच्चन प्रभाष पादुकोण के देशों की शूटिंग की गई एक साथ शूटिंग का दूसरा शेड्यूल फरवरी दो में रखा गया था यहाँ पूरी फिल्म को एक ही बार में शूट करने के बजाय टीम ने अस्सी से लेकर नब्बे दिनों की शूटिंग को हर महीने सात से लेकर आठ दिनों में विभाजित किया इससे प्रोडक्शन टीम को समय भी मिल गया और फिल्म में इस्तेमाल होने वाले गैजेट और फीडियो प्रव तैयार करने का मौका भी मिल गया इसलिए फिल्म के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद रखी गई थी जो कि फिल्म को शूट करने के लिए यानी कि डी ए री एलेक्सा पैंसठ कैमरे का के इस्तेमाल किया गया जिससे ये इस सैनिक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रभास अप्रैल 2022 में अपने एकल हिस्से का फिल्मांकन भी शुरू करेंगे हालांकि उनके घुटने की सर्जरी के कारण जो है सलार और काल की अट्ठाईस अंठानवे ईसवी सहित उनकी आगामी परियोजना में भी देरी हुई 90 परसेंट शूटिंग जो है रामोजी फिल्म सिटी में ही बनाए गए थे उसी सेट पर शूट किया गया है जून में बच्चन ने यहाँ पे राय दुर्गा मेट्रो स्टेशन पर एक सीन की शूटिंग की जुलाई में दीपिका पादुकोण और प्रभाष ने हैदराबाद में एक एक सीक्वेंस की की शूटिंग है प्रभाष ने इस शेड्यूल के अंत तक अपने हिस्से की अधिकांश शूटिंग पूरी भी कर ली थी वहीं पर दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद रखी गई थी जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के काम में लगभग आठ महीने लगेंगे हालांकि मार्च 2023 में फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहीं जब बच्चन की यहाँ पे बच्चन की पसलियों में चोट लग गई फिर उन्हें जो है मुंबई में आराम करने की सलाह दी गई थी तब जून 2023 तक लगभग जो है 70 परसेंट फिल्मांकन पूरा हो गया था प्रभाष और दिशा पदानी पर आधारित एक रोमांटिक ट्रैक जो है मार्च 2024 में इटली में फिल्माया गया था जिसमें जो है कैशॉर्ट का रोयल यानी कि पैलेस भी शामिल किया गया है रिलीजिंग के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों फिल्म का पहला लुक 19 जुलाई 2023 को जारी किया गया था काल 28, 98, 98 के अट्ठाईस अंठानवे ई बीस जुलाई 2023 को सैन डियोगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में प्रस्तुत की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई जहां निर्माता ने आधिकारिक शीर्षक और फिर झलक का अनावरण किया था विस्तार से इससे पहले फिल्म में दो यानी कि काली के अनुयायी और फिर जो है भैरव के बीच एक महत्वपूर्ण दृश्य का एक सीमित कॉमिक यहाँ पे इस ट्रिप जो है पैनल पर जारी किया गया था महाशिवरात्रि के अनुसार दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्माता ने भैरव के रूप में प्रभाष के चरित्र का खुलासा करते हुए एक पोस्टर जारी किया था इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अश्वत के चरित्र का परिचय देते हुए एक नया टीजर 21 अप्रैल 2024 को जारी किया गया भारतीय महाकाव्य महाभारत के अमर चरित्र से प्रेरित होकर यहाँ पे अश्वत्थामा को अमिताभ बच्चन ने चित्रित किया था जो कि 27 अप्रैल को निर्माता ने प्रभाष अमिताभ बच्चन और फिर जो है दीपिका पादुकोण के पोस्टर के साथ नई रिलीज की तारीख की घोषणा की 30 अप्रैल 2024 को प्रभाष ने सिनेमा और फिर जु क्रिकेट के प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब वजुह लखनऊ सुपर यानी ज्वाइंट बनाना लखनऊ सुपर ज्वाइन बना मुंबई इंडियंस के दौरान एक आईपीएल प्रचार वीडियो के लिए भैरव के रूप में वो दिखाई दिए थे अब यहाँ पर 2 मई 2024 को अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के अपने चरित्र में दिखाई दिए जहाँ पे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्रेरक भाषण दिया क्योंकि वह आईसीसी पुरुष यानी कि 20 2022 में 2024 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम में प्रभास के साथ बातचीत कर रहे थे एक कार्यक्रम में प्रभास के रोबोट्स यानी कि सा किक इसके अलावा ए जो है यानि कि ह्यूमन वाहन बुजी का एक टीजर जारी किया गया जहाँ पे आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि हमें हमें यहाँ पे नाग अश्विन और उनके फिल्म जो है निर्माताओं की जमानत तो और बहुत गर्वा है जो कि बड़ा जो है सोचने बड़ा सोचने से डरते नहीं है जबकि उन्होंने साझा किया है कि महिंद्रा रिसर्च यानी कि वेली के इंजीनियरों ने काल की अट्ठाईस अंठानवे ईस्वी की टीम को जो है भविष्य के वाहन के लिए अपने दृष्टिकोण को साकार करने में मदद की सत्ताईस मई दो हजार चौबीस को निर्माताओं और फिर जो है एमेजॉन प्राइम वीडियो ने बुझी और फिर जो है भैरव यानी कि मानकों को भाग की यहाँ पे एनिमेटेड जो है यानी कि प्रस्तावना की घोषणा किया जहाँ पे इकतीस मई दो हजार चौबीस को काल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में मंच पर जारी किया गया था अब यहाँ पे इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दस जून 2024 को जारी किया गया था कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कलाकार कॉन्सेप्ट जो है कलाकार के साथ मिलकर यहाँ पे सुंग चोई ने भी बाद में आरोप लगाया था कि ट्रेलर के शुरुआत में फिल्म में बिना अनुमति या फिर जो क्रेडिट के उनके जो है कालके का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही इसे 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था और फिर जनवरी 2024 के लिए निर्धारित भी किया गया था लेकिन कोविड 19 महामारी और फिर उत्पादन कार्य के कारण इसे 9 मई 2024 तक के लिए विलंबित कर दिया गया 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण जो है इसे फिर से 9 मई 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक के लिए स्थगित किया गया है वहीं दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को एक साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज करने की योजनाएं बनाई गई है जी यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना ये फिल्म एक साथ ही एक ही भाषा में रिलीज होगा पे दर्शक हो सकता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया प्यार दे दे अच्छा वहीं दोस्तों दीपिका पादुकोण में आइए कुछ रोमांटिक बातों को बताते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में दीपिका पादुकोण का जन्म पांच जनवरी उन्नीस को कोपेन हेगन डेनमार्क में कोकनी भाषी भारतीय माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ था उनके पिता परकास पादकुन एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और उनकी माँ उज्वला एक ट्रेवल एजेंट है और उनकी छोटी बहन अनीसा एक गोल्फ खिलाड़ी है उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादूकोन एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गए उनकी शिक्षा बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा माउंट कॉर्मेल कॉलेज से पूरी की है उन्होंने उन्होंने समाज शास्त्र में कला कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था दीपिका पादुकोण ने कहा है वह एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे उनके जीवन का केंद्र यहाँ पे बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रति पर्ति रूप से खेला हुआ है 2012 के एक इंटरव्यू में अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा मैं सुबह पाँच बजे उठती शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती स्कूल जाती फिर से बैडमिंटन खेलने जाती और अपना होमवर्क पूरा करती और फिर मैं सो जाती दीपिका पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में बैडमिंटन में अपने करियर बनाना जारी रखा जो कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेल खेला उन्होंने कुछ राज्य कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेला हुआ है अपनी शिक्षा और फिर जो है खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल एक बाल यानी कि मॉडल के रूप में भी काम किया है पहली पहली बार बता दें कि आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन जो है अभियानों में दिखाई दी है जो कि दसवीं कक्षा में उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और फिर एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया 2004 में उन्होंने प्रसाद यानी कि प्रसाद जो है विद्यापा के संरक्षणों में एक मॉडल के रूप में अपना पूर्णकालिक जो है करियर शुरू किया है ये भी बताया है उन्होंने अपनी अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने यहाँ पे रिल यानी कि साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन से पहचान हासिल की और विभिन्न जो है अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की 2005 में उन्होंने डिजाइनर जो है सुनीत वर्मा के लिए सबसे पहले लग में, में फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और फिर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपिका पादुकोण की पर्सी तब बढ़ गई जब वह दो हजार छह सबसे पहले जो है किंग फिशर यानी कि कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी अब यहां पर दोस्तों डिजाइनर जो है यानी कि विंडल और इसके अलावा रोडिक्स ने टिप्पणी किया कि ऐश्वर्या रॉय के ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है जो कि रोडिक्स ने उन्हें जो है गंजम के एक यानी कि ज्वेलरी क्लास में देखा था जिसे जो है वह पढ़ा जिसे वो पढ़ा रही थी और उन्हें यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि टैलेंट एजेंसी के साथ साइन कर दिया गया दो में उन्होंने सबसे पहले हिमेश रेशमिया के एल्बम जो है आपका शुरू के गीत नाम में इन्होंने तेरे के साथ जो है वीडियो में अभिनय करके पहचान हासिल की थी इसके बाद से दोस्तों दीपिका पादुकोण को जल्द ही फिल्म जो है भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे सबसे पहले खुद को एक अभिनेत्री के रूप में बहुत यानी कि अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर की फिल्म एकेडमी में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया बहुत सारी जो है मीडिया यहाँ पे अटकलों के बाद निर्देशक जो है फरा खान जिन्होंने उन्हें रेस के संगीत वीडियो में देखा था उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका के लिए कास्ट करने का फ़ैसला किया जिसका नाम जो है तब हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था जो कि यहाँ पे रोडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं यहाँ पे खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी वहीं उन्होंने मलाइका अरोरा से भी संपर्क किया था लेकिन रोडिक्स जिनके लिए दीपिका पादुकोण तब जो यानी कि लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उन्होंने उनकी सिफारिश अपने एक करीबी दोस्त यानी कि अरोरा से की जिन्होंने बदले में उनकी जो सिफारिश खान के सामने की थी वहीं दोस्तों बता दें दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले ऐश्वर्य दो हज़ार से अपने अभिनय की शुरुआत तो की ही थी जो कि दोस्तों इंद्रजीत यानी कि लंकेश द्वारा निर्देशित की गई एक कॉनॉड फिल्म थी रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो है जहाँ पे मनम की रीमेक थी ये मूवी और फिर उन्हें उन्हें जो है अभिनेता अभिनेता उपेंद्र के साथ शीर्षक भूमिका में लिया गया था फिल्म रूप से सफल रही थी इसके बारे में रेडिफ के अनुसार दोस्तों सबसे पहले जो है आरजी यानी कि विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण की स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो है भावनात्मक दृश्यों पर काम करने की जरूरत है दो के अंत तक फराग खान की हैप्पी न्यू ईयर को बंद कर दिया गया था और शाहरुख खान ने इसके बजाय जो है यानी कि मशाला फिल्म जो है ओम शांति ओम में काम करने चले गए 2007 के लिए दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया वहीं दोस्तों आगे आपको बता दें कि हिंदी फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि पर सेट की गई फिल्म एक संघर्षशील अभिनेता की कहानी को बताया गया है जो एक फिल्म स्टारर की मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेता है जो कि तैयारी के तौर पर दीपिका पादुकोण ने अभिनेत्रियों हेलेन और फिर जो हेमा मालिनी की कई फिल्में देखी ताकि उनके हाव भाव का अध्ययन किया जा सके कि उनकी आवाज को यानी कि आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने किया था फिल्म के एक गाने जो है धूम ताना के लिए दीपिका पादुकोण ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सहारा लिया और फिर जो है यहाँ पे डोलिंग यानी कि रेसल के अनुसार यहाँ पे हस्त मुद्राओं और फिर जो है हाथ के इस सारों का उपयोग करके दर्शकों को मत्र मुख कर दिया था जो कि दोस्तों यहाँ पे ओम शांति ओम ये फिल्म जबरदस्त कमाई की दी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद और अब तक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है दीपिका पादुकोण ने अगली बार ही सही सिद्धार्थ आनंद की रोमांटिक कॉमेडी जो है बचना ए हसीनो 2007 में इनको रणबीर कपूर के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया इन्होंने इस फिल्म में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक की भूमिका निभाई फिल्म ब्यूटी रूप से सफल रही लेकिन आउटलुक की नम्रता जोशी ने उनके प्रदर्शन को फिल्म के अंदर पुतले जैसा और पूरी तरह से जो है आग और फ्यूज उत्साही की कमी के रूप में खारिज कर दिया रिव्यू करते हुए इसी के साथ 2009 के उनकी पहली रिलीज मूवी अक्षय कुमार के साथ कुनफू कॉमेडी चांदी चोक टू चाइना फिल्म थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काल की फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है जिसमें प्रभाष दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन ये सभी स्टार कास्ट इस फिल्म में नजर आने वाले हैं हो सकता है 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए ये मूवी दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं तो फैंस इस वीडियो में बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज होने वाली प्रभास की मच सेवेटेड फिल्म के बारे में इसका नाम है काल की अट्ठाईस ए तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी रो में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है इसी के साथ दोस्तों बता दें काल की, की ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है दो दिन पहले अगर आप लोगों ने इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा की सबसे पहले आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखिए ताकि दोस्तों इस पूरी फिल्म को देखने से पहले आप लोग को इस फिल्म की कहानी समझ में आ जाए साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं फिल्म की कहानी कैसी होने वाली है तो अगर आप लोग प्रभाष के फैन हो और काल की फिल्म का वेट कर रहे हो

विज्ञान कथा एक्शन ड्रामा फिल्म है इसी साथ दोस्तों काल की फिल्म को बैजंती मूवीज के तहत सी अश्विन द्वारा निर्मित किया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें प्रभाष अमिताभ बच्चन कमल हासन और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण दिशा पतानी ब्राह्मानंदम इस फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई देने वाले हैं वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात की जाए तो 27 जून 2024 को ये फिल्म तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज होने वाली है वहीं बात की जाए इस फिल्म की बजट के बारे में तो इस फिल्म को बनाने में छः करोड़ रुपये खर्च हुआ है वहीं दोस्तों बता दें फरवरी 2020 में पहली बार घोषित की गई थी कि काल के निर्माण को कोविड 19 महामारी के कारण एक साल की देरी का सामना करना पड़ा है वहीं फिल्मांकन अंत तक जुलाई 2021 में और हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक भविष्य के सेट पर इस फिल्म को शुरू किया गया जो कि मार्च 2024 में समाप्त तो होने से पहले अगले तीन वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से जारी रहा था इस फिल्म की शूटिंग 600 करोड़ यानी कि यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो बहत्तर मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट पर बनी काल की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है वही दोस्तों इसका संगीत के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का संगीत संतोष नारायण सर ने तैयार किया है इसका छायांकन के बारे में हम बात कर ले तो जो डजे ने तैयार किया है इसी के साथ इस फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में बात की जाए तो नितिन जी हानि चौधरी सर ने किया है काल की अठाईस अठानबे इको शुरू में 9 मई 2024 को रिलीज किया जाना था लेकिन 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया अब इसे 27 जून 2024 को आईमिक्स और फिर अन्य फिल्म प्रारूपों में दुनिया भर में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है वहीं इस फिल्म के आधार के बारे में बात करें तो अट्ठाईस अंठानवे ई में काशी का निर्जन शहर अब यानी के अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र शहर बन गया है जिस पर एक अधिनयकवादी अभिजात वर्ग सुप्रीम यानी कि यासकीन का शासन चल रहा है जो शहर के ऊपर एक मोडराते हुए यानी कि पिरा मिंडूमा बिसाल का एक खतरा है विशाल यानी की संरचना से है जिसे जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है वहाँ पे अब यहाँ पे भारतीय पौराणिक कथाओं और फिर एक दस्टोपियन समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है इस फिल्म में जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व में महाभारत की घटनाओं से लेकर आज के कलयुग की शुरुआत अट्ठाईस अंठानवे ई तक की सह समृद्धियों तक फैली हुई यात्रा को इसमें दिखाया गया है कथा का मूल हिंदू देवता विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार यानी कि कल की, की रहस्यमय आकृति के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को इसमें दिखाया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन को लेकर बात करें तो यहाँ पे सीधे बताया गया है साल 2019 में ही महानती की सफलता के बाद से नाग अश्विन सर ने कहा था कि वह लंबे समय से एक मूल कहानी और एक पदकथा पर काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से इसका निर्माण जो है जल्द ही शुरू होगा उन्होंने बता दिया था लेकिन उस अगस्त में बैस जयंती मूवीज़ ने घोषणा किया था कि उत्पादन सितंबर में शुरू होने वाला है और दृश्य कलाकारों और फिर डिज़ाइनरों और फिर जो लेखकों के लिए कास्टिंग कॉल पोस्ट किया जाएगा अब यहाँ पे प्रभाष को प्रोडक्शंस यहाँ पे हाउस ने आ, सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को ही उनके स्टूडियो की स्थापना के लिए 50वें वर्ष के बाद जो है फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में उनको इसमें लाया गया लेकिन अस्थाई रूप से दोस्तों प्रभाष जैन की नाग स्वानी और इसके अलावा प्रभाष 21 वन शीर्षक से, से अश्विन ने कहा था कि शुरुआती योजनाएं 2020 के अंत तक फिल्मांकन शुरू करने की है और वहीं 2021 के अंत तक फिल्म को कई जो है भाषाओं में रिलीज किया जाएगा उन्होंने ये भी बता दिया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहरहाल दोस्तों इस फिल्म का शीर्षक जो है कालकी का संदर्भ रखा गया है जो कि भाग जो कि भागवत भागवतपुरन के हिसाब से भागवत भागवतपुरन के अनुसार हिंदू देवता विष्णु का एक अवतार ही है जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व यानी कि पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध के बाद जो है कलयुग की शुरुआत माना जाता है वही फिल्म कलयुग में जो है छह हजार साल बाद शुरू होता है जो कि अशोर दानो और काली के युग के इस फिल्म को बताया गया इस मूवीज में अब यहाँ पे दोस्तों बात करने वाली चीज ये है कि जुलाई 2020 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को प्रभाष के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका के लिए उनको इसमें साइन किया गया दीपिका पादुकोण ने महसूस किया कि वह प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए बहुत रोमांचित थी जबकि अश्विन ने कहा था कि उनका किरदार एक आश्चर्य होगा फिल्म में क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि किसी मुख्यधारा के लीड ने पहले ऐसा कभी नहीं काम किया है अब ये फिल्म दीपिका पादुकोण की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत भी है जो कि बॉलीवुड हंगामा ने बताया है कि उनकी भूमिका शुरू में पर्याप्त नहीं थी फिल्म के लिए लेकिन उनके स्टार के अनुसार जो है इसमें सुधार किया गया लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में अमिताभ बच्चन को फिल्म में एक पूर्ण लंबाई वाली भूमिका में इसमें साइन किया गया है अश्विन ने कहा है कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके चरित्र का नाम जो है शुरुआती मसौदे का कार्यशाली शीर्षक इसमें रखा गया था इसके बाद से दोस्तों मई दो में दिशा पदानी कलाकारों में शामिल हुई जो कि लोफर 2015 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए जून 2023 में कमल हासन कलाकारों में शामिल हुए जो कि यहाँ पे आ चिकती राज्यम दो और पंद्रह के बाद से तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए इसके बाद से उन्होंने अपनी भूमिका को एक कहमियों के रूप में वर्णित किया वहीं अगस्त 2023 में दुलारे सलमान ने भी मीडिया को बताया था कि उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा किया है हालांकि अभिनेता ने कभी भी फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि या फिर जो है खंडन नहीं किया इसके बाद से फरवरी दो में अन्ना बेन कलाकारों में शामिल हुई जो कि तेलुगु और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत है इस फिल्म के जरिए इसके अलावा दोस्तों पूर्व उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के, के के रूप में मान्यता दी गई थी कुछ समय पहले जो कि फिल्म के कामकाजी शीर्षक के रूप में काम किया गया अश्विन ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उच्च स्तरीय टेक्निकी और भविष्य के वाहनों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जो है फिल्म के लिए विकसित किया गया था और वहीं जबकि उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज रिस का उपयोग करके फिर से बनाया जा सकता है बताया था वहीं चाहते थे कि वह जो है यानी कि प्रमाणिक और फिर जो वास्तविक जो है महसूस करे क्योंकि इसलिए उन्होंने इंजीनियरों की समर्पित टीम के साथ इन जो है वाहनों को वाहनों को खरोच खरोच से बचाने का विकल्प चुना मार्च 2022 में अश्विन ने व्यवसायी आनंद यानी कि महिंद्रा से इस प्रकार के वाहन बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था प्रोडक्शन टीम ने कुछ दिनों बाद ही सही महिंद्रा ने जवाब दिया था कि उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा चेन्नई में अपने महिंद्रा जो है रिसर्च वैली और फ्यूज रिसर्च से प्रोडक्शन टीम की सहायता करेगी अब यहाँ से शुरू होता है जुलाई 2021 की कहानी 2021 में निर्माता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक, एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेट बनाया था जहां पर इस फिल्म को शूट किया गया जहां फिल्मांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया है इसके बाद से दोस्तों अगस्त दो 2020 में ए आर रहमान को शुरू में फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए संपर्क किया गया था रहमान ने फिल्म साइन नहीं की और अश्विन ने अपनी पिछली फिल्म जो है महानती दो के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा वही आर्था यानी कि संगीतकार जो है मिकीज मेयर और फिर जो है छायाकार दानी संचेज लोपेज को लिया गया लेकिन बाद में यहाँ पे सर्बियाई जो छायाकार जो डॉज के साथ मिलके तो लोजिको बीक ने फिल्म के आधिकारिक जो छायाकार के रूप में दानी संचेज के साथ मिलकर काम किया था दानी संचेज लोपेक की जगह ले ली और फरवरी 2023 में दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा संतोष नारायण ने संगीतकार के रूप में मेयर की जगह ली साथ ही एक महिला जो कि बॉलीवुड संगीतकार ने फिल्म के लिए एक गीत की रचना की वहीं बताते चले कि यहां पे सिंगेटम जो है यानी कि श्रीनिवास राव एक संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए परियोजना में शामिल हुए थे वहीं दोस्तों काल की अट्ठाईस अंठानवे ई का अनुमानित बजट 600 करोड़ रखा गया है जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बहत्तर मिलियन डॉलर खर्च किया गया है शुरुआत में इस फिल्म की नियमित शूटिंग नवंबर 2020 में शुरू करने की योजनाएं रखी गई थी हालांकि दोस्तों कोविड नाइन्टीन महामारी जो कि आपको पता है बहुत ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड नाइन्टीन महामारी के आगमन के कारण ही इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया था वहीं अमिताभ बच्चन की विशेषता वाले एक के मुहूर्त शॉट के बाद से जो है गुरु यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई 2021 में हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई जो कि प्रभाष और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2021 में प्रोडक्शंस में शामिल हुए बच्चन प्रभाष पादुकोण के दिवसों की शूटिंग की गई एक साथ शूटिंग का दूसरा शेड्यूल फरवरी दो में रखा गया था यहाँ पूरी फिल्म को एक ही बार में शूट करने के बजाय टीम ने 80 से लेके नब्बे दिनों की शूटिंग को हर महीने सात से लेकर आठ दिनों में विभाजित किया इससे प्रोडक्शन टीम को समय भी मिल गया और फिल्म में इस्तेमाल होने वाले गैजेट और फिडियो प्रॉप्स तैयार करने का मौका भी मिल गया इसलिए फिल्म के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद रखी गई थी जो कि फिल्म को शूट करने के लिए यानी कि डी ए डी एलेक्सा पैंसठ कैमरे का के इस्तेमाल किया गया जिससे ये इस यानी कि टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रभास अप्रैल 2022 में अपने एकल हिस्से का फिल्मांकन भी शुरू करेंगे हालांकि उनके घुटने की सर्जरी के कारण जो है सलार और काल की अट्ठाईस अंठानबे ईस्वी सहित उनकी आगामी परियोजना में भी देरी हुई 90 परसेंट शूटिंग जो है रामोजी फिल्म सिटी में ही बनाए गए थे उसी सेट पर शूट किया गया है जून में बच्चन ने यहाँ पे राय दुर्गा मेट्रो स्टेशन पर एक सीन की शूटिंग की जुलाई में दीपिका पादुकोण और प्रभाष ने हैदराबाद में एक एक चेज सीक्वेंस की शूटिंग की है प्रभाष ने इस शेड्यूल के अंत तक अपने हिस्से की अधिकांश शूटिंग पूरी भी कर ली थी वहीं पर दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद रखी गई थी जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के काम में लगभग आठ महीने लगेंगे हालांकि मार्च 2023 में फिल्म की शूटिंग चल रही थी वही जब बच्चन की यहाँ पे बच्चन की पसलियों में चोट लग गई फिर उन्हें जो है मुंबई में आराम करने की सलाह दी गई थी तब जून 2023 तक लगभग जो है 70 परसेंट फिल्मांकन पूरा हो गया था प्रभाष और दिशा पदानी पर आधारित एक रोमांटिक ट्रैक जो है मार्च दो तो अठाईस अंठानवे ई में काशी का निर्जन शहर यानी के अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र शहर बन गया है जिस पर एक अधिनायकवादी अभी जात वर्ग सुप्रीम यानी कि किन की का शासन चल रहा है जो शहर के ऊपर एक मोडराते हुए यानी कि पिरामिंडूमा विशाल का एक खतरा है पिरािंडू विशाल यानी की संरचना से है जिसे जो है कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है वहाँ पे अब यहाँ पे भारतीय पौराणिक कथाओं और फिर एक डेस्टोपियन समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है इस फिल्म में जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व में महाभारत की घटनाओं से लेकर आज के कलयुग की शुरुआत अट्ठाईस अंठानवे ई तक की सह समृद्धियों तक फैली हुई यात्रा को इसमें दिखाया गया है कथा का मूल हिंदू देवता विष्णु के दसवें और अंतिम अवतार यानी कि कल की, की रहस्यमय आकृति के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को इसमें दिखाया गया है इसी साथ दोस्तों इस फिल्म के उत्पादन को लेकर बात करें तो यहाँ पे सीधे बताया गया है साल 2019 में ही महानती की सफलता के बाद से नाग अश्विन सर ने कहा था कि वह लंबे समय से एक मूल कहानी और एक पदकथा पर काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से इसका निर्माण जो है जल्द ही शुरू होगा उन्होंने बता दिया था लेकिन उस अगस्त में बैस जयंती मूवीज ने घोषणा किया था कि उत्पादन सितंबर में शुरू होने वाला है और देर्श कलाकारों और फिर डिजाइनरों और फिर जो लेखकों के लिए कास्टिंग कॉल पोस्ट किया जाएगा अब यहाँ पे प्रभाष को प्रोडक्शंस यहाँ पे हाउस ने सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को ही उनके स्टूडियो की स्थापना के लिए 50वें वर्ष के बाद जो है फिल्म के मुख्य अभिनेता के रूप में उनको इसमें लाया गया लेकिन स्थायी रूप से दोस्तों यानी कि नाग शवानी और इसके अलावा प्रभाष 21 वन शीर्षक से अश्विन ने कहा था कि शुरुआती योजनाएं 2020 के अंत तक फिल्मांकन शुरू करने की है और वहीं दो के अंत तक फिल्म को कई जो भाषाओं में रिलीज किया जाएगा उन्होंने ये भी बता दिया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहरहाल दोस्तों इस फिल्म का शीर्षक जो है काल का संदर्भ रखा गया है जो कि भाग जो कि अब भागवत भागवतपुरन के हिसाब से भागवत भागवतपुरन के अनुसार हिंदू देवता विष्णु का एक अवतार ही है जो कि इकतीस जीरो टू ईसा पूर्व यानी कि पारंपरिक रूप से महाभारत युद्ध के बाद जो है कलयुग की शुरुआत माना जाता है वही फिल्म कलयुग में जो है छः हजार साल बाद शुरू होता है जो कि अशुर दानो और काली के युग के इस फिल्म को बताया गया इस मूवीज में अब यहाँ पे दोस्तों बात करने वाली चीज़ यही है कि जुलाई 2020 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को परभाष के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में मुख्य भूमिका के लिए उनको इसमें साइन किया गया दीपिका पादुकोण ने महसूस किया कि वह प्रोडक्शन्स में शामिल होने के लिए बहुत रोमांचित थे जबकि अश्विन ने कहा था कि उनका किरदार एक आश्चर्य होगा फिल्म में क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो कि किसी मुख्य धारा के लीड ने पहले ऐसा कभी नहीं काम किया है अब ये फिल्म दीपिका पादुकोण की तेलुगु सिनेमा में शुरुआत भी है जो कि बॉलीवुड हंगामा ने बताया है कि उनकी भूमिका शुरू में पर्याप्त नहीं थी फिल्म के लिए लेकिन उनके स्टारडोम के अनुसार जो है इसमें सुधार किया गया लेकिन यहाँ पे अक्टूबर में अमिताभ बच्चन को फिल्म में एक पूर्ण लंबाई वाली भूमिका में इसमें साइन किया गया है अश्विन ने कहा है कि उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके चरित्र का नाम जो है शुरुआती मशोदे का कार्यशाली शीर्षक इसमें रखा गया था इसके बाद से दोस्तों मई दो में दिशा बदानी कलाकारों में शामिल हुई जो कि लोफर 2015 के बाद तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के ज़रिए जून 2023 में कमल हासन कलाकारों में शामिल हुए जो कि यहां पे आ चिकती राज्यम दो और पंद्रह के बाद से तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी है इस फिल्म के जरिए इसके बाद से उन्होंने अपनी भूमिका को एक कहमियों के रूप में वर्णित किया वहीं अगस्त 2023 में दुलारे सलमान ने भी मीडिया को बताया था कि उन्होंने फिल्म के सेट का दौरा किया है हालांकि अभिनेता ने कभी भी फिल्म में अपनी भूमिका की पुष्टि या फिर जो है खंडन नहीं किया इसके बाद से फरवरी 2024 में अन्ना बेन कलाकारों में शामिल हुई जो कि तेलुगू और हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत है इस फिल्म के जरिए इसके अलावा दोस्तों पूर्व उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म को प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट के, के, के रूप में मान्यता दी गई थी कुछ समय पहले जो कि फ़िल्म के कामकाजी शीर्षक के रूप में काम किया गया अश्विन ने कहा था कि इस फिल्म के लिए उच्च स्तरीय टेक्निकी और भविष्य के वाहनों की आवश्यकताएं थी जिन्हें जो है फ़िल्म के लिए विकसित किया गया था और वहीं जबकि उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेज रे सी जी आई का उपयोग करके फिर से बनाया जा सकता है बताया था वहीं अश्विन चाहते थे कि वह जो है यानी कि प्रमाणिक और फिर जो वास्तविक जो है महसूस करे क्योंकि इसलिए उन्होंने इंजीनियरों की समर्पित टीम के साथ इनजुह वाहनों को वाहनों को खरोच खरोच से बचाने का विकल्प चुना मार्च 2022 में अश्विन ने व्यवसायी आनंद यानी कि महिंद्रा से इस प्रकार के वाहन बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी किया था प्रोडक्शन टीम ने कुछ दिनों बाद ही सही महिंद्रा ने जवाब दिया था कि उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा चेन्नई में अपने महिंद्रा जो है रिसर्च वैली और फ्यूज ऑफ से प्रोडक्शन टीम की सहायता करेगी अब यहाँ से शुरू होता है जुलाई 2021 की कहानी 2021 में निर्माता ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेट बनाया था जहाँ पर इस फिल्म को शूट किया गया जहाँ फिल्मांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट किया गया है इसके बाद से दोस्तों अगस्त दो में ए आर रहमान को शुरू में फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए संपर्क किया गया था रहमान ने फिल्म साइन नहीं की और अश्विन ने अपनी पिछली फिल्म जो है महानती 2018 के टेक्नीशियनों को बरकरार रखा वही अर्थात यानी कि संगीतकार जो है मिकीज मेयर और फिर जो हायकार दानी संचेज लोपेज को लिया गया लेकिन बाद में यहाँ पे सरबियाई जोजाया जो, जो डॉज के साथ मिलकेस्टो लोजिको बीक ने फिल्म के आधिकारिक जो है छायाकार के रूप में दानी संचित के साथ काम किया था दानी लोपे की जगह ले ली अब फरवरी 2023 में दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा संतोष नारायण ने संगीतकार के रूप में मेयर की जगह ली साथ ही एक महिला जो कि बॉलीवुड संगीतकार ने फिल्म के लिए एक गीत की रचना की वहीं बताते चले कि यहाँ पे सिंगेटम जो है यानी कि श्रीनिवास राव एक संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए परियोजना में शामिल हुए थे वहीं दोस्तों काल की अट्ठाईस अठानवे ई का अनुमानित बजट 600 करोड़ रखा गया है जो यूएस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है बहत्तर मिलियन डॉलर खर्च किया गया है शुरुआत में इस फिल्म की नियमित शूटिंग नवंबर 2020 में शुरू करने की योजनाएं रखी गई थी हालांकि दोस्तों कोविड नाइन्टीन महामारी जो कि आपको पता है बहुत ही बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड नाइन्टीन महामारी के आगमन के कारण ही इसे अगले वर्ष के लिए स्थगित किया गया था वहीं अमिताभ बच्चन की विशेषता वाले एक के मुहूर्त शॉट के बाद से जो है गुरु यानी कि पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई 2021 में हैदराबाद में मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई जो कि प्रभाष और दीपिका पादुकोण दिसंबर 2021 में प्रोडक्शंस में शामिल हुए बच्चन प्रभाष पादुकोण के दृश्य की शूटिंग की गई एक साथ शूटिंग का दूसरा शेड्यूल फरवरी दो में रखा गया था यहाँ पूरी फिल्म को एक ही बार में शूट करने के बजाय टीम ने अस्सी से लेकर नब्बे दिनों की शूटिंग को हर महीने सात से लेकर आठ दिनों में विभाजित किया इससे प्रोडक्शन टीम को समय भी मिल गया और फिल्म में इस्तेमाल होने वाले गैजेट और फिडियो प्रव तैयार करने का मौका भी मिल गया इसलिए फिल्म के निर्माण में सामान्य से अधिक समय लगने की उम्मीद रखी गई थी जो कि फिल्म को शूट करने के लिए यानी कि डी ए डी एलेक्सा पैंसठ कैमरे का इस्तेमाल किया गया जिससे ये इस यानी सैनिक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है अब उम्मीद की जा रही थी कि प्रभाष अप्रैल 2022 में अपने एकल हिस्से का फिल्मांकन भी शुरू करेंगे हालांकि उनके घुटने की सर्जरी के कारण जो है सलार और काल की अट्ठाईस अंठानबे ईस्वी सहित उनकी आगामी परियोजना में भी देरी हुई 90 परसेंट शूटिंग जो है रामोजी फिल्म सिटी में ही बनाए गए थे उसी सेट पर शूट किया गया है जून में बच्चन ने यहाँ पे राय दुर्गा मेट्रो स्टेशन पर एक सीन की शूटिंग की जुलाई में दीपिका पादुकोण और प्रभाष ने हैदराबाद में एक एक चेज सीक्वेंस की शूटिंग की है प्रभाष ने इस शेड्यूल के अंत तक अपने हिस्से की अधिकांश शूटिंग पूरी भी कर ली थी वहीं पर दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2023 तक पूरी होने की उम्मीद रखी गई थी जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट के काम में लगभग आठ महीने लगेंगे हालांकि मार्च 2023 में फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहीं जब बच्चन की यहाँ पे बच्चन की पसलियों में चोट लग गई फिर उन्हें जो है मुंबई में आराम करने की सलाह दी गई थी तब जून 2023 तक लगभग जो है 70 परसेंट फिल्मांकन पूरा हो गया था प्रभास और दिशा पदानी पर आधारित एक रोमांटिक ट्रैक जो है मार्च दो हजार में इटली में फिल्माया गया था जिसमें जो है कैशॉर्ट का रॉयल यानी कि पैलेस भी शामिल किया गया है रिलीजिंग के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों फिल्म का पहला लुक 19 जुलाई 2023 को जारी किया गया था काल की अट्ठाईस सौ अंठानबे ई बीस जुलाई 2023 को सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में प्रस्तुत की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई जहां निर्माता ने आधिकारिक शीर्षक और फिर झलक का निवारण किया था विस्तार से इससे पहले फिल्म में द्स यानी कि काली के अनुयायी और फिर जो है भैरव के बीच एक महत्वपूर्ण दृश्य का एक सीमित कॉमिक यहाँ पे इस ट्रिप जो है पैनल पर जारी किया गया था महाशिवरात्रि के अनुसार दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर निर्माता ने भैरव के रूप में प्रभाष के चरित्र का खुलासा करते हुए एक पोस्टर जारी किया था इसी के साथ दोस्तों बता दें यहाँ पे अश्वत्थमा के चरित्र का परिचय देते हुए एक नया टीजर 21 अप्रैल 2024 को जारी किया गया प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के अमर चरित्र से प्रेरित होकर यहाँ पे अश्वत्थामा को अमिताभ बच्चन ने चित्रित किया था जो कि 27 अप्रैल को निर्माता ने प्रभाष अमिताभ बच्चन और फिर जो है दीपिका बहादू पोस्टर के साथ नई रिलीज की तारीख की घोषणा की 30 अप्रैल 2024 को प्रभाष ने सिनेमा और फिर जो है क्रिकेट के प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब वह जो है लखनऊ सुपर यानी कि ज्वाइंट बनाना लखनऊ सुपर ज्वाइन बना मुंबई इंडियंस के दौरान एक आईपीएल प्रचार वीडियो के लिए भैरव के रूप में वो दिखाई दिए थे अब यहाँ पर 2 मई 2024 को अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के अपने चरित्र में दिखाई दिए जहाँ पे उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक प्रेरक भाषण दिया क्योंकि वह आईसीसी पुरुष यानी कि बीस दो बाईस मई दो को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक कार्यक्रम में प्रभाष के साथ बातचीत कर रहे थे एक कार्यक्रम में प्रभाष के यानी कि किक इसके अलावा ने लिखा है कि हमें, हमें यहां पे नाग अश्विन और उनके फिल्म जो है की जमानत तो और बहुत गर्भा है जो कि बड़ा जो है सोचने बड़ा सोचने से डरते नहीं है जबकि उन्होंने साझा किया है कि महिंद्रा की महिंद्रा रिसर्च यानी कि वेली के इंजीनियरों ने काल की अट्ठाईस अठानबे ईस्वी की टीम को जो है भविष्य के वाहन के लिए अपने दृष्टिकोण को साकार करने में मदद की सत्ताईस मई दो हजार चौबीस को निर्माताओं और फिर जो है एमेजन प्राइम वीडियो ने बुज्जी और फिर जो है भैरव यानी कि मानकों को भाग की यहाँ पे एनिमेटेड जो है यानी कि प्रस्तावना की घोषणा किया जहाँ पे इकतीस मई दो हजार चौबीस को काल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिस्से के रूप में मंच पर जारी किया गया था अब यहाँ पे इस फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर दस जून 2024 को जारी किया गया था कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कलाकार कॉन्सेप्ट जो है कलाकार के साथ मिलकर यहाँ पे सुंग चोई ने भी बाद में आरोप लगाया था कि ट्रेलर के शुरुआत में फिल्म में बिना अनुमति या फिर जो है क्रेडिट के उनके जो है कालकी का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही इसे 2022 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था और फिर जनवरी 2024 के लिए निर्धारित भी किया गया था लेकिन कोविड 19 महामारी और फिर उत्पादन कार्य के कारण इसे 9 मई 2024 तक के लिए विलंबित कर दिया गया 2024 के भारतीय आम चुनाव के कारण जो है इसे फिर से 9 मई 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक के लिए स्थगित किया गया है वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को एक साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज करने की योजनाएं बनाई गई है यहाँ फैंस आपने बिल्कुल सही सुना ये फिल्म एक साथ ही एक ही भाषा में रिलीज होगा पे दर्शक हो सकता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया प्यार दे अच्छा रिस्पॉन्स दे वहीं दोस्तों दीपिका पादुकोण में आइए कुछ रोमांटिक बातों को बताते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में दीपिका पादुकोण का जन्म पांच जनवरी उन्नीस को कोपेन हेगान डेनमार्क में कोकनी भाषी भारतीय माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ था उनके पिता प्रकाश पादुकोन एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी है और उनकी मां उज्वला एक ट्रेवल एजेंट है, और उनकी एक है। उनके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादुकोण एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गए उनकी शिक्षा बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में हुई और उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा माउंट कोरमेल कॉलेज से पूरी की है उन्होंने उन्होंने समाज शास्त्र में कला कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था दीपिका पादुकोण ने कहा है वह एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे उनके जीवन का केंद्र यहाँ पे बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रति प्रतिस्पर्धी रूप से खेला हुआ है 2012 के एक इंटरव्यू में अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए दीपिका पादुकोण ने कहा मैं सुबह पाँच बजे उठती शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती स्कूल जाती फिर से बैडमिंटन खेलने जाती और अपना होमवर्क पूरा करती और फिर मैं सो जाती दीपिका पादुकोण ने अपने पूरे स्कूल के वर्षों में बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा जो कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेल खेला उन्होंने कुछ राज्य कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में बेसबॉल भी खेला हुआ है अपनी शिक्षा और फिर जो है खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक बाल एक बाल यानी कि मॉडल के रूप में भी काम किया है पहली पहली बार बता दें कि आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन जो है अभियानों में दिखाई दी है जो कि दसवीं कक्षा में उन्होंने अपना ध्यान बदल दिया और फिर एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया 2004 में उन्होंने प्रसाद यानी कि प्रसाद जो है विद्यापा के संरक्षणों में एक मॉडल के रूप में अपना पूर्णकालिक जो है करियर शुरू किया है ये भी बताया है उन्होंने अपनी अपनी करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने यहाँ पे ले के साबुन के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन से पहचान हासिल की और विभिन्न जो है अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की 2005 में उन्होंने डिजाइनर जो है सुनीत वर्मा के लिए सबसे पहले लकमे लकमे फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और फिर जो है किंग फिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपिका पादुकोण की पर्सी तब बढ़ गई जब वह 2006 यानी कि सबसे पहले जो है किंग फिशर यानी कि कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी अब यहां पर दोस्तों डिजाइनर जो है यानी कि वेंडिल और इसके अलावा रोडिक्स ने टिप्पणी किया कि ऐश्वर्या रॉय के ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है जो कि रोडिक्स ने उन्हें जो है गंजम के एक यानी कि ज्वेलरी क्लास में देखा था जिसे जो है वह पढ़ा जिसे वो पढ़ा रही थी और उन्हें यहाँ पे मैट्रिक्स यानी कि टैलेंट एजेंसी के साथ साइन कर दिया गया 2006 में उन्होंने सबसे पहले हिमेश रेशमिया के एल्बम जो है आपका सुरूर के गीत नाम में इन्होंने तेरे के साथ जो है वीडियो में अभिनय करके पहचान हासिल की थी इसके बाद से दोस्तों दीपिका पादुकोण को जल्द ही फिल्म जो है भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे सबसे पहले खुद को एक अभिनेत्री के रूप में बहुत यानी कि अनुभवहीन मानते हुए उन्होंने अनुपम की फिल्म एकेडमी में एक एक कोर्स के लिए दाखिला लिया बहुत सारी जो है मीडिया यहाँ पे अटकलों के बाद निर्देशक जो है फरा खान जिन्होंने उन्हें रेशमिया के संगीत वीडियो में देखा था उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में भूमिका के लिए कास्ट करने का फैसला किया जिसका नाम जो है तब हैप्पी ईयर रखा गया था जो कि यहाँ पे रोडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं यहाँ पे खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश में थी वहीं उन्होंने मलाइका अरोरा से भी संपर्क किया था लेकिन रोडिक्स जिनके लिए दीपिका पादुकोण तब जो यानी कि लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उन्होंने उनकी सिफारिश अपने एक करीबी दोस्त याकीी अरोरा से की जिन्होंने बदले में उनकी जो है सिफारिश खान के सामने की थी वहीं दोस्तों बता दें दीपिका पादुकोण ने सबसे पहले ऐश्वर्य दो हज़ार छः से अपने अभिनय की शुरुआत तो की ही थी जो कि दोस्तों इंद्रजीत यानी कि लंकेश द्वारा निर्देशित की गई एक कॉनॉड फिल्म थी रोमांटिक कॉमेडी तेलुगु फिल्म जो है जहाँ पे मनमदुडू की रीमेक थी ये मूवी और फिर उन्हें जो है अभिनेता उन्हें अभिनेता उपेंद्र के साथ शीर्षक भूमिका में लिया गया था फिल्म व्यवसायी रूप से सफल रही थी इसके बारे में रेडिफ के अनुसार दोस्तों सबसे पहले जो है आरजी यानी कि विजय सारथी ने दीपिका पादुकोण की स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपने जो है भावनात्मक दृश्यों पर काम करने की ज़रूरत है 2006 के अंत तक फराह खान की हैप्पी न्यूयर को बंद कर दिया गया था और शाहरुख खान ने इसके बजाय जो है यानी कि मशाला फिल्म जो ओम शांति ओम में काम करने चले गए 2007 के लिए दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया वही दोस्तों आगे आपको बता दें कि हिंदी फिल्म उद्योग की पृष्ठभूमि पर सेट की गई फिल्म एक संघर्षशील अभिनेता की कहानी को बताया गया है जो एक फिल्म स्टारर की मौत का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेता है जो कि तैयारी के तौर पर दीपिका पादुकोण ने अभिनेत्रियों हेलेन और फिरजु हेमा मालिनी की कई फिल्में देखी ताकि उनके हाव भाव का अध्ययन किया जा सके उनकी आवाज़ को वयस यानी कि वयस्ट आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी ने ड्रॉप किया था फिल्म के एक गाने जो है धूम थाना के लिए दीपिका पादुकोण ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सहारा लिया और फिर जो है यहाँ पे डोलिंग के अनुसार यहाँ पे हस्त मुद्राओं और फिर जो है हाथ के इस सारों का उपयोग करके दर्शकों को मत्र मुक्त कर दिया था जो कि दोस्तों यहाँ पे ओम शांति ओम ये फिल्म जबरदस्त कमाई की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद और अब तक की सबसे अच्छी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है दीपिका पादुकोण ने अगली बार ही सही सिद्धार्थ आनंद की रोमांटिक कॉमेडी जो है बचना ए हसीनो 2007 में इनको रणबीर कपूर के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा गया इन्होंने इस फिल्म में रणबीर कपूर की प्रेमिकाओं में से एक की भूमिका निभाई फिल्म व्यवतीय रूप से सफल रही लेकिन आउटलुक की नम्रता जोशी ने उनके प्रदर्शन को फिल्म के अंदर पुतले जैसा और पूरी तरह से जो आग और जो उत्साह की कमी के रूप में खारिज कर दिया रिव्यू करते हुए इसी के, के साथ 2009 की उनकी पहली रिलीज मूवी अक्षय कुमार के साथ कुनफू कॉमेडी चांदनी चौक टू चाइना फिल्म थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काल की फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है जिसमें प्रभाष दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन ये सभी स्टार कास्ट इस फिल्म में नजर आने वाले हैं हो सकता है 2024 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए ये मूवी दोस्तों आपका इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं तो फैंस इस वीडियो में इतना ही तो मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टेल एंड सी यू सोन